गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जो भी मुझे जब भी सुन रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो बच्चे आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 24 पे आ चुके हैं, लेक्चर नंबर 24, और हम लोग पढ़ रहे थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बारे में, हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में जाना था एरर्स हमारी कौन कौन सी होती हैं, फिर हम लोगों ने समझा था कि हम लोग अपने एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करते हैं बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में, जो हमारी सेकंड क्लास थी रेक्टिफिकेशन की, उसमें हम लोगों ने सीखा था कि हम लोग एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करते हैं आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो बच्चे उसी से रिलेटेड मैं आपको आज एक और क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। तो पहले हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अपने नए टॉपिक पे चलेंगे। तो आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 25 ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, तो क्या दे रखा हुआ है? अ बुक कीपर फाइंड्स दैट द टोटल ऑफ हिज ट्रायल बैलेंस डिसएग्री बाय रुपीज 2800। ही टेम्पररली डेबिट्स द सस्पेंस अकाउंट विद दिस अमाउंट एंड क्लोजेस द बुक। ऑन एन एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स द फॉलोइंग एरर्स आर डिस्कवर्ड। तो क्या क्या दे रखा हुआ है? द टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक रुपीज 710 वॉज पोस्टेड ट्वाइस। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 800 were distributed as free samples but no entry was passed in the books. Purchase of machinery for rupees 5600 on credit was recorded in purchase book as rupees 6500. Cash sales to Ram Lal for rupees 1200 were recorded in the cash book as well as in the sales book and were posted from both. Closing stock has been overvalued by rupees 1500. Sales written book was untotaled, though personal accounts were posted rupees 1580. No entries have been made in the cash book for the insurance premium directly paid by the bank rupees 700 and interest charge on overdraft rupees 320. A sum of rupees 200 for drawings on the credit side of the cash book was not posted to the drawings account. Pass entries to rectify the above errors, close the suspense account already opened. तो ये बच्चे हम लोगों को क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि बुक कीपर ने क्या करा, ट्रायल बैलेंस बनाया और ट्रायल बैलेंस पे डिफरेंस आया कितने से, 2800 रुपीज से डिफरेंस आया। तो 2800 रुपीज से जब डिफरेंस आया तो बुक कीपर ने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट को तब उसने डेबिट कर दिया और बुक्स को क्लोज कर दिया कि चलो भाई फाइनल अकाउंट सब प्रिपेयर कर दे। फिर जब एग्जामिनेशन हुआ बुक्स का, बुक्स को चेक करा गया तो कुछ एरर्स डिस्कवर हुई, तो द फॉलोइंग एरर्स आर डिस्कवर्ड। तो हमें इन सारी एरर्स का क्या करना है, रेक्टिफिकेशन करना है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, मतलब आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो हमें रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करनी है और बच्चे सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करना है, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25, तो मेरे साथ फिर से तीन कॉलम्स बना लेना, एक्चुअल, रॉन्ग और रेक्टिफाई, एक्चुअल, रॉन्ग और रेक्टिफाई। तो आप लोगों ने कॉलम्स ड्रॉ कर लिए होंगे, तो चलो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे को दे रखा हुआ है द टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक रुपीज 710 वॉज पोस्टेड ट्वाइस। बच्चे हमने परचेज रिटर्न बुक का टोटल दो बार पोस्ट कर दिया, तो पोस्टिंग की जो मिस्टेक होती है वो मेरी क्या होती है, लेजर की मिस्टेक होती है, वो मेरी क्या है, वन साइडेड एरर है, ठीक है। मैंने दो बार पोस्टिंग कर दिया, तो जब मैं पोस्टिंग करता था तब मैं क्या करता था, परचेज रिटर्न बुक के क्रेडिट साइड में मैं पोस्ट कर देता था। तो बच्चे परचेज रिटर्न बुक के क्रेडिट साइड में मैंने दो बार पोस्ट कर दिया 710 रुपीज। तो इसको सही करने के लिए मैं क्या करूंगा, परचेज रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि मेरे को डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट करना है। तो डबल एंट्री सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए मैं क्या करूंगा, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। कितना अमाउंट है, 710 रुपीज, ठीक है। फिर मैं आता हूं अपनी सेकंड एरर पे। तो सेकंड एरर क्या दे रखी हुई है, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 800 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स बट नो एंट्री वॉज पास इन द बुक्स। तो बच्चे ये क्या है, कंप्लीट ओमिशन का केस है, मैं एंट्री पास करना भूल गया जो गुड्स मैंने डिस्ट्रीब्यूट करें एज अ फ्री सैंपल।
तो बच्चे जब कभी भी हम लोग सैंपल्स में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो हम लोग क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे एंट्रीज में पास, तो हम लोग डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं क्या, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। और बच्चे मैंने अपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करें तो हम लोग किसको क्रिएट कर देंगे, परचेजेस अकाउंट को क्रिएट कर देंगे। तो टू परचेजेस अकाउंट कितना, 800 रुपीज। फिर मैं आता हूं अपने थर्ड नंबर के ट्रांजैक्शन पे, क्या दे रखा हुआ है, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ₹5600 ऑन क्रेडिट वॉज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक एज ₹6500। तो बच्चे हम लोग मशीनरी परचेज करके ला रहे हैं और गलती से हमने कहां पे रिकॉर्ड कर लिया, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया। तो सबसे पहले हम लोग अपनी एक्चुअल एंट्री देखते हैं क्या बनेगी। तो एक्चुअल एंट्री जो मेरी बनेगी बच्चे वो क्या बनेगी, मैं मशीनरी परचेज करके ला रहा हूं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ये मेरी एंट्री बननी चाहिए थी। अमाउंट कितना दे रखा हुआ है, 5600 रुपीज। और बच्चे मैंने क्या करा, गलती से परचेज बुक में इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, तो मैंने क्या रिकॉर्ड करा होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट 6500 रुपीज। ठीक है, अब चलो हम लोग एनालाइज करते हैं कि हम लोगों ने क्या गलती करी है। तो बच्चे मेरे को क्रेडिटर्स को क्रेडिट करना था 5600 रुपीज से, मैंने कितने से क्रेडिट कर दिया, 6500 रुपीज से, मतलब मैंने क्रेडिटर्स को ज्यादा क्रेडिट कर दिया। मशीनरी को डेबिट करना था, बच्चे मैंने मशीनरी को डेबिट नहीं करा और परचेज को गलती से डेबिट कर दिया। तो अगर मैं रेक्टिफिकेशन एंट्रीज केस में बनाता हूं तो क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि मशीनरी को मेरे को डेबिट करना था, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से, 5600 रुपीज। ठीक है बच्चे, क्रेडिटर्स को मैंने ज्यादा अमाउंट से क्रेडिट कर दिया, तो मैं इसको सही करने के लिए क्या करूंगा, क्रेडिटर्स को डेबिट कर दूंगा कितने से, 900 रुपीज से, और टू यहां पे मैं क्या लिख देता हूं, परचेस अकाउंट, क्योंकि मैंने परचेस को गलती से डेबिट कर दिया था, टू परचेस अकाउंट कितना, 6500 रुपीज। ठीक है, फिर इसके बाद दे रखा हुआ है कैश सेल्स टू रामलाल फॉर ₹1200 वर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज वेल एज इन द सेल्स बुक एंड वर पोस्टेड फ्रॉम बोथ। तो बच्चे हम लोगों ने कैश सेल्स कर रखी है रामलाल को, कितने की करी है, 1200 रुपीज की। तो वो बच्चे हमने कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर ली और बच्चे सेल्स बुक में भी रिकॉर्ड कर ली, दोनों जगह हमने रिकॉर्ड कर ली एंड वर पोस्टेड फ्रॉम बोथ, और बच्चे पोस्टिंग भी हमने दोनों से कर दी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारी एक्चुअल एंट्री क्या बनेगी। तो कैश सेल्स टू रामलाल है, तो मैंने यहां पे लिखा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना, 1200 रुपीज। ठीक है, 1200 रुपीज। फिर हम लोगों ने देखते हैं, हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि हम लोग ने क्या एंट्री पास कर रखी है। तो क्या एंट्री पास करी होगी, एक तो हमने कैश बुक में पास करी, तो एक तो ये एंट्री पास करी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना, 1200 रुपीज, एक ही एंट्री पास करी है। और साथ ही साथ हमने क्या करा, सेल्स बुक में भी रिकॉर्ड कर लिया, तो सेल्स बुक में भी रिकॉर्ड कर लिया, तो बच्चे क्या एंट्री बनी होगी, रामलाल, रामलाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना, 1200 रुपीज। तो मैंने कैश बुक में भी रिकॉर्ड करा है और सेल्स बुक में भी रिकॉर्ड करा है। तो बच्चे मेरी एक्चुअल एंट्री क्या बननी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो बच्चे वो तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, मतलब कैश बुक में तो मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया, तो मेरे को इससे तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये तो मेरा बिल्कुल सही है। अब मैंने रामलाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कर रखा, ये मैंने एक एक्सेस एंट्री पास कर रखी है, तो बच्चे इस एंट्री को मेरे को खत्म करना है। तो मैं क्या करूंगा, सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, क्योंकि मैंने सेल्स को क्रेडिट कर रखा है, तो सेल्स अकाउंट डेबिट, और बच्चे रामलाल को डेबिट कर रखा है, तो रामलाल को मैं क्या करूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। तो रामलाल अकाउंट क्रेडिट कितना, 1200 रुपीज। ठीक है, कितना, 1200 रुपीज। फिर मैं अपने फिफ्थ नंबर के ट्रांजैक्शन पे आता हूं, तो इसमें दे रखा हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक हैज बीन ओवर वैल्यूड बाय ₹1500। क्लोजिंग स्टॉक को हम लोगों ने ओवर वैल्यू कर रखा है 1500 रुपीज से।
तो अभी तक मैंने आपको क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट नहीं समझाया कि हम लोग अपना क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट क्या करते हैं। तो चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि अभी इस एंट्री में रिक्वायर्ड है। तो बच्चे क्लोजिंग स्टॉक जो मेरा होता है, क्लोजिंग स्टॉक जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको ट्रायल बैलेंस सिखाया था, तब मैंने आपको बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक जो मेरा होता है वो बच्चे ट्रायल बैलेंस के नीचे आता है। मैंने ऐसे ही कुछ बता रखा था आपको ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर में कि जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक होता है, अगर मैं ये ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं, ठीक है, ये मेरा वर्किंग नोट है, ट्रायल बैलेंस अगर मैं बना रहा हूं तो ट्रायल बैलेंस के नीचे मैं लिखता था क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जनरली मेरा ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं बनता है। तो बच्चे क्लोजिंग स्टॉक मैं यहां पे लिख देता हूं, लेट्स टेक 50,000 रुपीज, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक मेरा कहां पे आ रहा है, ट्रायल बैलेंस के नीचे आ रहा है। अगर क्लोजिंग स्टॉक मेरा ट्रायल बैलेंस में नहीं आ रहा है तो बच्चे मेरा क्लोजिंग स्टॉक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट फॉर तो है ही नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैंने इसकी अकाउंटिंग नहीं करी है। अगर मैंने इसकी अकाउंटिंग कर रखी होती तो बच्चा ये क्लोजिंग स्टॉक मेरा ट्रायल बैलेंस में नहीं आ जाता। अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक की रिकॉर्डिंग करी होती बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इसकी जर्नल एंट्री पास करी होती, तो वो बच्चे मेरा ट्रायल बैलेंस में नहीं आ रहा होता। तो मतलब क्लोजिंग स्टॉक मेरे ट्रायल बैलेंस में तो नहीं आ रहा, बट बच्चे हमें क्या करना होता है, इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेकर आना होता है जब हम लोग अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो जब हम लोग अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो बच्चे क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, और साथ ही साथ मेरे कहां पे आता है, बैलेंस शीट में आता है। क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस के जो भी नीचे आइटम्स दे रखे होते हैं, जो आइटम्स ट्रायल बैलेंस में नहीं आते, उनका इफेक्ट दो जगह आता है। क्यों दो जगह आता है, क्योंकि बच्चे डबल एंट्री सिस्टम है, एक जगह मेरे को कहीं ना कहीं डेबिट करना पड़ेगा, एक जगह मेरे को कहीं ना कहीं क्रेडिट करना पड़ेगा। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं आ रहा है, मतलब ट्रायल बैलेंस में नहीं आ रहा है, मतलब मैंने इसकी कोई जनरल एंट्री पास नहीं कर रखी, अब मैं इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेकर आ रहा हूं, तो डबल एंट्री सिस्टम को तो मेरे को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने क्लोजिंग स्टॉक को दो जगह रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसे कि मैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूं, तो छोटा सा ऐसे मैं ट्रेडिंग अकाउंट दिखा देता हूं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में यहां पे मैं कुछ ओपनिंग स्टॉक लिखता हूं, परचेजेस लिखता हूं, सेल्स लिखता हूं, और बच्चे यहां पे मैं अपना क्लोजिंग स्टॉक लिखता हूं। मेरा क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आता है, और लेट्स टेक मैंने यहाँ पे 50,000 रुपीज लिख दिया, ठीक है, मैंने अपना क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिया। जब भी मैं क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में लिखता हूंगा तो बच्चे मैं क्या एंट्री पास करता हूंगा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्योंकि बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट को मैं क्रेडिट कर रहा हूं, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ रहा है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा। तो मैं जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करता हूं तो क्या एंट्री पास करता हूं, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो जब मैंने ये एंट्री पास करी होगी तो कितने से पास करी होगी, 50,000 रुपीज से पास करी होगी, ठीक है। बट मेरे को पता चल रहा है कि मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बच्चे ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड है कितने से, ओवर वैल्यूड है 1,500 रुपीज से ओवर वैल्यूड है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो इसको सही करने के लिए मैं क्या करूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट कर दूंगा और क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट कर दूंगा कितने से, 1,500 रुपीज से। तो मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो एक्चुअल वैल्यू पे आ जाएगा। जैसे कि मेरे को दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, तो इसको सही करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करूंगा। क्या एंट्री पास करूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक। तो चलो हम लोग अपनी एक रेक्टिफिकेशन एंट्री यहां पे लिख लेते हैं। रेक्टिफिकेशन एंट्री यहां पे लिखते हैं, फिफ्थ ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में भी आता है और साथ ही साथ मेरा बैलेंस शीट में भी आता है। जैसे कि मैंने बताया कि क्लोजिंग स्टॉक दो जगह अपीयर होता है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में, और कहां अपीयर होता है, मेरे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहां पे, एसेट साइड में, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक मेरा क्या होता है, एक तरीके का एसेट होता है। मेरे पास आज के दिन पे कितना स्टॉक है वो मेरा क्या है, एसेट है। तो क्लोजिंग स्टॉक एक तो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है और दूसरा कहां पे आता है, बैलेंस शीट में। मैंने कितने से ओवर वैल्यूड कर रखा था, 1,500 रुपीज से, तो 1,500 रुपीज मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर मैं अपने नेक्स्ट एंट्री पे आता हूं, तो क्या दे रखा हुआ है, सेल्स रिटर्न बुक वॉज अनटोटल्ड। तो सेल्स रिटर्न बुक का मैंने टोटलिंग नहीं कर रखा है, तो पर्सनल अकाउंट्स वर पोस्टेड 1,580। तो सेल्स रिटर्न बुक में जब मैं अकाउंटिंग करता हूं तो बच्चे किसी ना किसी के नाम से करता था। सेल्स रिटर्न बुक में जब मैं अकाउंटिंग करता था तो मैं लिखता था कि राम अकाउंट या श्याम अकाउंट, मतलब किससे सेल्स रिटर्न हो रही है।
तो बच्चे पर्सनल अकाउंट में तो मैंने सही पोस्ट कर रखा है, राम के अकाउंट में, श्याम के अकाउंट में, मोहन के अकाउंट में, रोहन के अकाउंट में, मैंने वो पोस्टिंग तो सही कर रखी है, बट सेल्स रिटर्न बुक का टोटल नहीं करा है। तो इससे मैंने सेल्स रिटर्न बुक में, जो सेल्स रिटर्न बुक का टोटल है उसकी पोस्टिंग मैंने अभी तक नहीं कर रखी है सेल्स रिटर्न अकाउंट में। तो मैंने क्या करा, टोटलिंग करी और टोटल करके कितना निकल रहा है 1580। तो अब मेरे को क्या करना है, इसकी पोस्टिंग करनी है, तो डायरेक्टली चलो मैं पोस्टिंग करता हूं। तो मैं यहां पे क्या लिखता हूं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्योंकि सेल्स रिटर्न का अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरा रेवेन्यू कम हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डेबिट करते हैं। कितने से डेबिट करेंगे, 1580 से डेबिट कर देंगे। बट बच्चे मेरे को अपना डबल एंट्री सिस्टम भी कंप्लीट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा कितने से, 1580 रुपीज से। फिर मैं अपने सेवेंथ नंबर ट्रांजैक्शन पे आता हूं, तो क्या दे रखा हुआ है, नो एंट्रीज हैव बीन मेड इन द कैश बुक फॉर द इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय द बैंक ₹700 एंड इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्राफ्ट ₹320। तो बच्चे किसी भी तरीके की एंट्री मेरे कैश बुक में नहीं पास करी गई है इंश्योरेंस प्रीमियम के पेमेंट से रिलेटेड या फिर इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्राफ्ट से रिलेटेड, तो इसकी एंट्री मेरे कैश बुक में नहीं पास हुई है। तो मैं क्या करता हूं, डायरेक्टली एंट्री इसकी पास कर लेता हूं, क्योंकि ये कंप्लीट ओमिशन का केस है। तो अगर मैं एंट्री पास करना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से चार्ज हो रहा है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम मेरा कितना आ रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम जो मेरा है वो है ₹700, इंटरेस्ट मेरा है ₹320, टोटल अगर मैं करता हूं तो कितना आ जाएगा 1020, ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा 1020। यहां पे मैंने अपना सेवेंथ नंबर का भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद जो मेरा लास्ट ट्रांजेक्शन बचता है, लास्ट ट्रांजेक्शन, तो वो मैं यहां पर लिख लेता हूं। लास्ट ट्रांजैक्शन मेरा क्या है, एट्थ ट्रांजैक्शन जो मेरा है, अ सम ऑफ ₹200 फॉर ड्रॉइंग्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक वॉज नॉट पोस्टेड टू द ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो बच्चे ये क्वेश्चन में लिख रखा है कि पोस्टेड मतलब मेरा लेजर में मिस्टेक, मेरा वन साइड एरर। तो मैंने क्या करा है, ड्रॉइंग्स का अमाउंट ड्रॉइंग्स के अकाउंट में पोस्ट नहीं करा है, कैशबुक में तो मैंने लिख रखा है बट मैंने ड्रॉइंग्स के अकाउंट में पोस्ट नहीं करा। तो मैं चलो ड्रॉइंग्स के अकाउंट में पोस्ट कर देता हूं। तो मैं यहां पे डायरेक्टली एंट्री पास कर देता हूं, क्या एक तो मेरा एक्चुअल का कॉलम हो गया, यहां पे ये मेरा रॉन्ग वाला कॉलम हो गया और ये रेक्टिफाई वाला कॉलम हो गया। तो मैं डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन वाले कॉलम पे लिख देता हूं, क्या ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स के अकाउंट को मेरे को क्या करना है, डेबिट करना है। कितने से डेबिट करना है, ₹200 से डेबिट करना है। और बच्चे मेरे को अपना डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट करना है, तो मैं क्या करूंगा, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा कितने से, ₹200 से। तो मैंने अपनी सारी की सारी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज तो पास कर दी है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है कि सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करो, तो चलो एक हम लोग छोटा सा सस्पेंस अकाउंट भी यहां पे बना लेते। तो सस्पेंस अकाउंट तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी एंट्रीज में मेरा सस्पेंस अकाउंट यूज हो रहा है। तो मैं अपनी जनरल एंट्रीज में आता हूं, तो सबसे पहली एंट्री में यूज हो रहा है परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, इसमें यूज हो रहा है। और कहां पे मेरा सस्पेंस अकाउंट यूज हो रहा है अगर मैं देखना चाहूं, तो सस्पेंस अकाउंट मेरा यहां पे सेल्स रिटर्न के अकाउंट के साथ यूज हो रहा है, और बच्चे मेरा ड्रॉइंग्स के साथ सस्पेंस अकाउंट यूज हो रहा है। तो मतलब मेरे को तीन एंट्रीज पास करनी है, एक तो परचेस रिटर्न की पास करनी है, एक सेल्स रिटर्न से रिलेटेड पास करनी है, और एक ड्राइंग से रिलेटेड पास करनी है। तो मेरे को सबसे पहले सस्पेंस अकाउंट का कुछ बैलेंस दे रखा हुआ है। तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, तो दे रखा हुआ है अ बुक कीपर फाइंड्स दैट द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस डिसएग्रीज बाय ₹2800, ही टेम्पोररली डेबिट्स अ सस्पेंस अकाउंट विद दिस अमाउंट। तो बच्चे डेबिट कर रखा है सस्पेंस अकाउंट को, तो मैंने यहां पे लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, या फिर मैं लिख सकता हूं टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस कितना, ₹2800, ठीक है, ट्वेंटी एट हंड्रेड रुपीज
फिर सबसे पहली जो मेरी एंट्री थी वो किससे रिलेटेड थी, परचेज रिटर्न से रिलेटेड थी। तो बच्चे मैंने परचेज रिटर्न अकाउंट को डेबिट करा था और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करा था। तो मतलब सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे मैं क्या लिख सकता हूं, बाय परचेज रिटर्न अकाउंट, बाय परचेज रिटर्न अकाउंट कितना 710 रुपीस, ठीक है। फिर इसके बाद मेरी जो नेक्स्ट एंट्री में सस्पेंस अकाउंट यूज हो रहा था वो बच्चे सेल्स रिटर्न की एंट्री पे यूज हो रहा है, और बच्चे यहां पे भी सस्पेंस अकाउंट मेरा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। कितने से क्रेडिट हो रहा है, 1580 रुपीज से क्रेडिट हो रहा है। तो मैं क्या पास करूंगा यहां पे, मैं यहां पे क्या पोस्ट करूंगा, तो मैं यहां पे लिखता हूं बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट कितना 1580, ठीक है। फिर यहां पे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, मतलब फिर से मेरा सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो मैंने यहां पे लिखा बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट कितना 200 रुपीज, ठीक है। तो तीन ट्रांजेक्शन मेरे सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड दे रखे हुए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन ने हमसे ये बोला है कि क्लोज करो सस्पेंस अकाउंट। तो बच्चे यहां पे हम लोग अपना सस्पेंस अकाउंट अभी भी क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने अभी तक सारी की सारी एरर्स को ढूंढा नहीं है, उनको रेक्टिफाई नहीं करा। अगर मैं अपनी सारी की सारी एरर्स को ढूंढ के रेक्टिफाई कर दूं तो बच्चे मेरे सस्पेंस अकाउंट का जो टोटल है वो टैली कर जाएगा, बट यहां पे अगर देखो तो डिफरेंस आने वाला है। तो मैं अपने अकाउंटेंट से कहूंगा कि भाई और भी कुछ गलती आपने कर रखी है उनको भी ढूंढो, क्योंकि अभी तक मेरे सस्पेंस अकाउंट का टोटल जो है वो टैली नहीं हो रहा है। तो मैंने यहां पे लिखा क्या, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, बाय बैलेंस कैरीड डाउन कितना बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, तो 2800 माइनस 710 माइनस 1580 माइनस 210, तो ये आ रहा है 310 रुपीज का बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो ये बच्चे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, क्वेश्चन नंबर 25 का। अब मैं थोड़ा सा आपको इसी क्वेश्चन में कुछ एडिशनल चीजें कराने जा रहा हूं। तो मैं एक बार आपको फिर से लास्ट क्लास से रिलेटेड मैं आपको कराना चाहता हूं इफेक्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑन प्रॉफिट। तो चलो इस क्वेश्चन में भी इफेक्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑन प्रॉफिट करने की कोशिश करते हैं। तो इफेक्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑन प्रॉफिट, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है बट ये मैं आपको एडिशनल करा रहा हूं, इफेक्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑन प्रॉफिट। तो चलो देखते हैं कि रेक्टिफिकेशन एंट्रीज से मेरे प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरे को क्या आइडेंटिफाई करना है कि एंट्रीज में मेरे कौन से नॉमिनल अकाउंट्स यूज हो रहे हैं। अगर नॉमिनल अकाउंट्स मेरे यूज हो रहे हैं तो वो मेरे को चेक करना है कि नॉमिनल अकाउंट डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है। डेबिट अगर हो रहा है नॉमिनल अकाउंट तो इसका मतलब क्या है, वो मेरे प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा, और अगर नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो वो मेरे प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहां पे लिखता हूं नंबर वन। तो नंबर वन में मैं चेक करता हूं क्या मेरा नॉमिनल अकाउंट यूज हो रहा है। तो हाँ जी सर, नॉमिनल अकाउंट मेरा यूज हो रहा है। मेरा परचेज रिटर्न क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या डेबिट हो रहा है। तो बच्चे मेरा प्रॉफिट है वो 710 रुपीज से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। 710 रुपीज से मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। स्टेटमेंट मैं अभी नहीं लिख पा रहा हूं, स्टेटमेंट आप लोग खुद से भी लिख सकते हो। तो 710 रुपीज से मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। फिर दूसरे केस में मैं आता हूं, तो दूसरे केस में मैंने देखा कि एंट्री पास है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो बच्चे दोनों के दोनों नॉमिनल अकाउंट है, मतलब जितने से डेबिट हो रहा है उतने से क्रेडिट हो रहा है, और दोनों मेरे नॉमिनल अकाउंट है। तो इसका इफेक्ट मेरे प्रॉफिट में कुछ भी नहीं होने वाला है, बट फिर भी हम लोग क्या करेंगे अपने स्टेटमेंट में, मतलब इफेक्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट में मैं कैसे दिखाना चाहूंगा। तो मैं कैसे दिखाऊंगा, यहां पर ऐसे लिख दूंगा प्लस 800 और माइनस 800, मैं ऐसे इसको प्रेजेंट करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं डैश करके चला आया, ठीक है, क्योंकि 800 से प्रॉफिट कम हो रहा है और 800 से प्रॉफिट बढ़ भी रहा है। 800 से प्रॉफिट कम हो रहा है, 800 से प्रॉफिट बढ़ भी रहा है, तो मतलब इफेक्ट तो नहीं लाएगा, बट मेरे को इसको ऐसे शो करना है, ठीक है। अगर डेबिट भी नॉमिनल अकाउंट हो रहा है, क्रेडिट भी नॉमिनल अकाउंट हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे प्रेजेंट करूंगा एग्जाम में, ठीक है। फिर मैं आता हूं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे जब मैं आता हूं तो मैंने यहां पे देखा क्या, मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट और परचेज अकाउंट क्रेडिट। तो बच्चे परचेज अकाउंट मेरा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट कितने से क्रेडिट हो रहा है, 6500 रुपीज से क्रेडिट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 6500 रुपीज से अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। फिर मैं आता हूं,
अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि सेल्स का अकाउंट डेबिट हो रहा है और रामलाल का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो बच्चे सेल्स का अकाउंट भी मेरा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट डेबिट हो रहा है, कितने से डेबिट हो रहा है, 1200 रुपीज से डेबिट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा फोर्थ माइनस 1200 रुपीज। फिर मैं आता हूँ फिफ्थ नंबर के ट्रांजेक्शन पे। फिफ्थ नंबर के ट्रांजेक्शन पे जब मैं आता हूँ तो मैं यहां पे एंट्री देखता हूं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक, तो बच्चे जो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट मेरा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट मेरा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। और क्लोजिंग स्टॉक मेरा क्या होता है, एक एसेट का अकाउंट होता है, इसको हम लोग रियल अकाउंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, मतलब मेरे प्रॉफिट्स जो हैं वो 1500 रुपए से कम हो जाएंगे। मैं यहां पे आया, मैंने यहां पे लिखा फिफ्थ और माइनस 1500, ठीक है, माइनस 1500। फिर मैं आता हूं अपने सिक्स्थ नंबर ट्रांजैक्शन पे, क्या लिखा हुआ है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो बच्चे सेल्स रिटर्न का जो अकाउंट है वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट डेबिट हो रहा है, कितने से डेबिट हो रहा है, 1580 रुपीज से। तो मैं यहां पे आया, मैंने यहां पे लिखा सिक्स माइनस 1580, माइनस 1580। फिर मैं अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आता हूं, तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या दे रखा हुआ है, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बच्चे इंश्योरेंस प्रीमियम और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अकाउंट दोनों के दोनों मेरे क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, और बैंक अकाउंट मेरा क्या है, पर्सनल अकाउंट है। तो जो मेरे नॉमिनल अकाउंट्स डेबिट हो रहे हैं इससे मेरा क्या होगा, प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। तो मैंने यहां पे लिखा सेवेंथ माइनस 700 माइनस 320, ठीक है। फिर मैं अपने लास्ट ट्रांजैक्शन पे आता हूं, ट्रांजैक्शन नंबर एट्थ। ट्रांजैक्शन नंबर एट्थ मेरा क्या आता है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट मेरा क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। तो मैंने यहाँ पे डैश लिख दिया क्योंकि एट्थ एंट्री में कोई भी नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। फिर अब मैं क्या करता हूँ, इसका टोटल करता हूँ। तो टोटल करता हूँ तो मेरे को बच्चे माइनस वाले आइटम्स ज़्यादा दिख रहे हैं और प्लस वाले आइटम्स कम दिख रहे हैं। तो इसको भी मैं डायरेक्टली माइनस 710 लिख देता हूँ, ब्रैकेट्स में हटा देता हूँ, ठीक है। तो सिर्फ दो प्लस के आइटम्स है, बाकी सारे क्या है, माइनस के आइटम्स। तो चलो एक बार निकालते हैं कि मेरा प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आएगा। तो मेरा प्रॉफिट तो रिड्यूस होना है क्योंकि माइनस वाले आइटम्स ज्यादा है। तो चलो देखते हैं कितने से मेरा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। तो माइनस 710 प्लस 800 माइनस 800 प्लस 6500 माइनस 1200 माइनस 1500 माइनस 1580 माइनस 700 माइनस 320। ओ माय गॉड, ये तो पॉजिटिव में आ गया, ये तो पॉजिटिव में आ गया, क्योंकि 6500 रुपीस से हम लोग प्लस कर रहे हैं और माइनस जो हम लोग कर रहे हैं वो छोटे छोटे अमाउंट्स कर रहे हैं। तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा कितने से, 490 रुपीस से। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि हम लोग सिर्फ देख के कि माइनस वाले आइटम ज्यादा हैं इसके बेसिस पे डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। तो हमें टोटलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय रुपीज 490, ठीक है। प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय रुपीज 490 आफ्टर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। बट अभी भी क्वेश्चंस में कुछ एरर्स हैं, मतलब इस एग्जांपल में कुछ एरर्स है क्योंकि मेरा सस्पेंस अकाउंट अभी तक टैली नहीं कर रहा है। तो मैं अपने अकाउंटेंट से क्या बोलूंगा कि और एरर्स को ढूंढिए और उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 पूरी तरह से कर लिया। अब बच्चे मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आना चाहता हूँ। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इस टॉपिक को, जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ After preparation of trial balance, ठीक है। या फिर इसको मैं एक और नाम दे सकता हूं, correction in the next accounting period,
करेक्शन इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड. तो हम लोग अपने एरर्स को नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में सही करने जा रहे हैं. मतलब मेरी जो एरर्स अकर हुई थी वो बच्चे कब अकर हुई थी, 2016-17 में फॉर एग्जांपल, इसको मैं सही कब करूंगा 2017-18 में. तो अब हम लोग फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद अपने एरर्स को सही करने जा रहे हैं. तो चलो एक बार थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ. जब बच्चे हम लोग अपना ट्रायल बैलेंस बनाते थे, ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाते थे, तो जब ट्रायल बैलेंस का टोटल जो होता था वो मेरा टैली नहीं होता था, ठीक है. ट्रायल बैलेंस का जब टोटल टैली नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस टोटल को एक अकाउंट में डाल देते थे जिसका नाम होता था क्या, सस्पेंस अकाउंट. और हम अपने ट्रायल बैलेंस को टैली करा लेते थे. सस्पेंस अकाउंट मेरा क्या होता था, एक टेम्पररी अकाउंट होता है, डमी अकाउंट होता है, जिसमें हम लोग अपने डिफरेंसेस को डालते हैं. तो सस्पेंस अकाउंट में मैंने अपना डिफरेंस डाल दिया. फिर बच्चे मैनेजमेंट को जल्दी से जल्दी क्या होता है, फाइनल अकाउंट्स की जरूरत होती है, तो जल्दी से जल्दी हम लोग फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं. तो जो टाइम पीरियड इन्वॉल्व होता है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट्स तो प्रिपेयर करते रहते हैं और साथ ही साथ हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग अपने एरर्स को भी ढूंढ लें और उनको भी रेक्टिफाई कर लें, जिससे कि जो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने, जो मेरे फाइनल अकाउंट्स बने वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, ठीक है. तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि इस जो टाइम इंटरवल है, जो ये टाइम इंटरवल है, इसमें हम लोग अपने एरर्स को ढूंढें और अपने एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं, जिससे कि मेरे फाइनल अकाउंट्स और ज्यादा एक्यूरेट बने. क्योंकि मेरे जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो बच्चे हमारे ऑडिटर्स आके ऑडिट करते हैं, उस पर अपनी साइन और स्टैंप लगाते हैं, अपना साइन करते हैं और अपनी स्टैंप लगाते हैं. तो ये सर्टिफाई करते हैं वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल एक्यूरेट हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं. तो ये हमारे कौन करते हैं, ऑडिटर सर्टिफाई करते हैं, जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं. तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सारी की सारी एरर्स इसी टाइम इंटरवल में सही हो जाए. बट कभी कभी क्या होता है, एरर्स को हम लोग लोकेट नहीं कर पाते हैं, हो सकता है हमारे पास टाइम की कमी हो जाती है तो हम लोग एरर्स को लोकेट इतने टाइम इंटरवल पे नहीं कर पाते हैं. तब हम लोग क्या करते हैं, एरर्स को सस्पेंस अकाउंट में ही पड़े रहने देते हैं कि एरर सस्पेंस अकाउंट में पड़ी है और हम लोग जाके उसको नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जाके रेक्टिफाई कर लेंगे. तो जब कभी भी हमें नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में वो एरर्स मिलेंगी, हम लोग क्या करेंगे, उनको रेक्टिफाई कर लेंगे, ठीक है. तो एरर मेरी अकर हो रही है 2016-17 में, बट उसे मैं रेक्टिफाई कब कर रहा हूँ, 2017-18 में. मेरी एरर कब अकर हुई 2016-17 में, मैं उसे रेक्टिफाई कब कर रहा हूँ, 2017-18 में. तो इसका मतलब क्या हुआ, हम अपने एरर्स को रेक्टिफाई कर रहे हैं इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है. ये तो हो गया टॉपिक की बात, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल बातें पर. तो हम लोग अपने प्रैक्टिकल पे आने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, जिससे कि मैं आपको ये बातें समझा पाऊँ. तो चलो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि हम लोग इस चीज को और अच्छे से समझते हैं कि हम लोग कैसे नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करते हैं. तो मेरे साथ आप लोग ओपन करिएगा क्वेश्चन नंबर एट. मिस्टर रॉय वॉज अनएबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर एंड रोट द डिफरेंस टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ दैट ईयर. नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु एग्जामिन्ड द ओल्ड बुक्स एंड फाउंड द फॉलोइंग मिस्टेक्स. तो बच्चे मिस्टर रॉय थे हमारे, जो अपने ट्रायल बैलेंस को टैली नहीं कर पाए और बच्चे डिफरेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इन्होंने राइट ऑफ कर दिया. और नेक्स्ट ईयर इन्होंने क्या करा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट करा जो उनकी बुक्स की एरर्स को ढूंढे आके और रेक्टिफाई करवाए, ठीक है. तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आया और बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने क्या करा, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कुछ एरर्स को ढूंढा और क्या करना है, अब हमें उन एरर्स की रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करनी है. तो चलो देखते हैं क्या क्या एरर्स हैं. तो सबसे पहले मैं देखता हूं, तो क्या दे रखा हुआ है, परचेज ऑफ अ स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट ₹3,000, परचेज अकाउंट वॉज ओवरकास्ट बाय ₹10,000, अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पी फॉर ₹2,000 एंटर्ड एज अ सेल, रिसिप्ट ऑफ अ कैश फ्रॉम मिस्टर ए वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी ₹1,000, रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ अकाउंट ₹500, 500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू वॉज ऑमिटेड टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर फॉर ₹2,000 वॉज ऑमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, अमाउंट ऑफ ₹2,395 ऑफ परचेज वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज ₹2,593.
Mr. Roy used 10% depreciation on vehicles, suggests the necessary rectification entries. तो हमें necessary rectification entries पास करनी है. तो सर हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे शुरू करें? तो चलो बच्चे हम लोग इसको क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व करते हैं कि जब हम लोग जैसे सॉल्व करते थे आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स. तो चलो हम लोग वैसे ही पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है. हम लोगों का जो सॉल्व करने का मैनर होगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा. तो चलो हम लोग पहले वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे कि हम लोग आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स के केस में सॉल्व करते थे. तो यहां पे मैं क्वेश्चन नंबर लिखने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर एट. और क्वेश्चन नंबर एट में मैंने क्या करा, फिर से एक्चुअल, रॉन्ग और रेक्टिफाई तीन कॉलम्स फिर से बना लिए, ठीक है. तो आप लोग भी मेरे साथ कॉलम्स को ड्रॉ कर लीजिए. तो आप लोगों ने कॉलम्स ड्रॉ कर लिए होंगे. तो चलो बच्चे इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं. तो सबसे पहले मेरे को ए नंबर का जो ट्रांजैक्शन दे रखा हुआ है, ए, तो दे रखा हुआ है परचेज ऑफ अ स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वेयंस अकाउंट. मैंने स्कूटर परचेज करा है बच्चे कितने का, 3000 रुपए का, और उसको गलती से कन्वेयंस अकाउंट में डेबिट कर दिया. तो सबसे पहले हम लोग अपनी एक्चुअल एंट्री देखते हैं, मेरी एक्चुअल एंट्री क्या होनी चाहिए थी. तो मैं यहां पे लिख सकता हूं स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. मैं स्कूटर परचेज करके लाया तो मेरी ये एंट्री होनी चाहिए थी स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना, 3000 रुपीज, ठीक है. बट बच्चे इसकी जगह मैंने गलती से क्या करा, स्कूटर अकाउंट डेबिट करने की जगह मैंने क्या डेबिट कर दिया, कन्वेयंस अकाउंट डेबिट कर दिया. तो कन्वेयंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो बच्चे मैंने कन्वेयंस अकाउंट को डेबिट कर दिया, कितने से डेबिट करा, 3000 रुपीज से डेबिट कर दिया. मतलब मेरे को कैश अकाउंट को क्रेडिट करना था वो तो मैंने सही कर रखा है, मतलब कैश अकाउंट को मैंने 3000 रुपीज से सही क्रेडिट कर रखा है. अब दिक्कत कहां पे है, स्कूटर अकाउंट में और कन्वेयंस अकाउंट में, ठीक है जी, स्कूटर अकाउंट में और कन्वेयंस अकाउंट में. तो मेरे को स्कूटर अकाउंट को डेबिट करना था, मैंने क्या करा, स्कूटर अकाउंट डेबिट कर दिया, ठीक है. और कन्वेयंस अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया है, तो बच्चे कन्वेयंस अकाउंट को मैं यहां पे क्या करूंगा, क्रेडिट कर दूंगा. तो कितने से क्रेडिट करूंगा, 3000 रुपीज से, ठीक है, 3000 रुपीज से. तो ये तो मैंने क्या करा, रेक्टिफिकेशन एंट्री इसकी पास कर दी. तो ये रेक्टिफिकेशन एंट्री मैंने क्या करी, नेक्स्ट ईयर में पास करी है. और क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि मिस्टर रॉय यूज 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स. तो 10% डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल्स भी मेरे को चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जब फाइनल अकाउंट्स बनाए होंगे, जब अपने बुक्स को क्लोज करा होगा, तो बच्चे उस साल मैंने स्कूटर पे डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करा होगा. क्योंकि जब बच्चे मैंने स्कूटर के अकाउंट को डेबिट ही नहीं करा, स्कूटर को अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज ही नहीं करा, तो उस पर डेप्रिसिएशन तो चार्ज नहीं करा होगा. तो अब मैं क्या कर रहा हूं, स्कूटर को अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज कर रहा हूं, तो मेरे को डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज करना पड़ेगा. तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं. तो डेप्रिसिएशन चार्जिंग की क्या एंट्री बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू स्कूटर अकाउंट. अमाउंट कितना है डेप्रिसिएशन का, 3000 का 10% कितना हो जाएगा, 300 रुपीज. कितना, 300 रुपीज का मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया स्कूटर पर. फिर मैं आता हूं अपने बी नंबर के ट्रांजैक्शन पे, क्या दे रखा हुआ है, परचेज अकाउंट वॉज ओवरकास्ट बाय ₹10,000. तो बच्चे परचेज अकाउंट जो है वो ओवरकास्ट है बाय ₹10,000. तो परचेज अकाउंट ओवरकास्ट का मतलब क्या है, मैंने परचेज अकाउंट को ₹10,000 से ज्यादा डेबिट कर रखा हुआ है. तो इसको सही करने के लिए मैं क्या एंट्री पास करूंगा, मैंने यहाँ पे लिखा बी. तो बच्चे इसको सही करने के लिए मैंने यहाँ पे परचेज अकाउंट को क्या करा, क्रेडिट कर दिया. परचेज अकाउंट को मैंने आपके क्रेडिट कर दिया कितने से, 10,000 रुपीज से, ठीक है. परचेज अकाउंट को मैंने आपके क्रेडिट कर दिया 10,000 रुपीज से. बट बच्चे मेरे को अपना डबल एंट्री सिस्टम पूरा करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दूंगा डबल एंट्री सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए. तो 10,000 रुपीज मैंने कहां पे लिख दिए, सस्पेंस अकाउंट पे लिख दिए. फिर बच्चे मैं और आगे बढ़ता हूं, तो यहां पे जो मेरा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है
वो क्या दे रखा हुआ है, अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पी फॉर ₹2000 एंटर्ड एज अ सेल। तो बच्चे मैंने पी से गुड्स परचेज करे हैं और गलती से उसे एज अ सेल रिकॉर्ड कर लिया। तो सबसे पहले मेरी एक्चुअल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, एक्चुअल एंट्री मेरी होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट कितना, ₹2000। ये मेरी क्या होनी चाहिए थी, एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए थी। बट बच्चे मैंने गलती से क्या एंट्री पास करी, पी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मैंने परचेज को एज अ सेल रिकॉर्ड कर लिया, तो ₹2000 से मैंने सेल रिकॉर्ड कर ली। अब मेरे को क्या करना है, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे को परचेज को डेबिट करना था, तो मैंने यहाँ पे परचेज अकाउंट को डेबिट करा कितने से, परचेज अकाउंट डेबिट कितना, ₹2000। फिर बच्चे पी को मेरे को क्रेडिट करना था कितने से, ₹2000 से। तो चलो मैं पी को क्रेडिट कर देता हूँ ₹2000 से। बट बच्चे मैंने गलती से पी को डेबिट भी कर रखा है ₹2000 से। तो इसको सही करने के लिए मैं क्या करूंगा, पी को क्रेडिट करूंगा 2000 से, और ऑलरेडी मेरे को ₹2000 से क्रेडिट करना ही था पी को। तो टोटल क्रेडिट मैं कितना करूंगा पी को, ₹4000 से। फिर मैंने सेल्स को गलती से क्रेडिट कर दिया, तो इसको सही करने के लिए मैं क्या करूंगा, सेल्स अकाउंट को डेबिट करूंगा कितने से, ₹4000 से। तो ये मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री बनके तैयार हो गई। फिर मैं अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आता हूं। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मेरे को क्या दे रखा हुआ है, रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए वाज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी ₹1000। तो बच्चे मेरे को कैश रिसीव हुआ है मिस्टर ए से, और गलती से मैंने पोस्टिंग किसके अकाउंट में कर दी, मिस्टर बी के अकाउंट में कर दिया। तो पोस्टिंग की एरर है, तो वो मेरी लेजर अकाउंट्स में एरर होगी। बट बच्चे ये डबल साइडेड एरर है, ए की जगह मैंने बी के अकाउंट में पोस्टिंग करी है। तो सबसे पहले मैं अपनी एक्चुअल एंट्री देखता हूं, मेरी एक्चुअल एंट्री क्या बननी चाहिए थी। तो मैंने यहां पे लिखा डी, तो रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम ए, तो मतलब क्या एंट्री बननी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, ये मेरी एंट्री होनी चाहिए थी। कितने अमाउंट से, ₹1000 से, ठीक है। बट गलती से मैंने क्या करा, जो पोस्टिंग करी है वो बी के अकाउंट में कर दी, मतलब कैश अकाउंट तो मैंने सही डेबिट करा, बट यहां पे क्रेडिट मतलब मेरे को ए के अकाउंट को करना था, गलती से मैंने बी के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। कितने से क्रेडिट कर दिया, ₹1000 से। इसका मतलब क्या है, मैंने कैश को डेबिट करना था, मैंने कैश को तो सही डेबिट कर रखा है, कैश को मेरे को डेबिट करना था, मैंने कैश को सही डेबिट कर रखा है, तो कैश कैंसिल हो गया, कैश में तो कोई भी दिक्कत नहीं है। बट मेरे को ए के अकाउंट को क्रेडिट करना था, तो मैंने यहां पे लिख दिया टू ए, कितना, ₹1000। और बी को गलती से क्रेडिट कर रखा है, तो बी को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, तो बी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट कितना, ₹1000, ठीक है। तो यहां पे मैंने अपना फोर्थ नंबर का ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड कर लिया। फिर मैं आता हूं अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे, तो ट्रांजैक्शन नंबर क्या है, ई, रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। बच्चे मेरे को कैश रिसीव हुआ है सी से, तो चलो देखते क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सी, कितना कैश रिसीव हुआ है, ₹500 का, ठीक है। अब मैंने गलती क्या करी है, मैंने गलती से सी के अकाउंट में क्रेडिट की जगह डेबिट साइड पोस्ट कर दिया है, मतलब सी के अकाउंट को मैंने गलती से डेबिट कर दिया है ₹500 से। कैश अकाउंट मैंने सही कर रखा है, कैश में कोई भी गलती नहीं है, मैंने सी को क्रेडिट करने की जगह डेबिट कर दिया है पोस्टिंग के टाइम। अब इस एरर को मेरे को क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। तो बच्चे मेरे को सी के अकाउंट को क्रेडिट करना था, तो मैं सी के अकाउंट को क्या करूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। कितने से क्रेडिट करना था, ₹500 से क्रेडिट करना था, तो 500 से तो मैं क्रेडिट कर दूंगा। बट गलती से जो मैंने ₹500 डेबिट करे हैं, उसको सही करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ₹500 से और क्रेडिट करना पड़ेगा सी को। तो टोटल क्रेडिट मेरा कितना बना, ₹1000। और बच्चे मेरे को अपना डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट करना है, तो डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट करने के लिए मैं क्या करूंगा, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना, ₹1000। फिर हम लोग आते हैं एफ नंबर के ट्रांजैक्शन पे। तो क्या दे रखा हुआ है, ₹500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू,
वॉज ओमिटेड टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस। तो बच्चे 500 रुपए मेरे को रिसीव करने थे क्यू से, तो वो मैंने ट्रायल बैलेंस में नहीं लेकर गया हूं, मतलब ट्रायल बैलेंस पे मैं उसका टोटल लेकर नहीं गया हूं, मतलब मेरा जो ट्रेड रिसीवेबल का टोटल होगा वो 500 रुपए से कम होगा, मेरा क्यू का बैलेंस ट्रेड रिसीवेबल में शामिल नहीं है, तो 500 रुपए से मेरा ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस कम होगा। तो मैं डायरेक्टली यहां पे लिख सकता हूं क्यू अकाउंट डेबिट, क्यू अकाउंट डेबिट कितना 500 रुपीज, क्यू अकाउंट डेबिट 500 रुपीज। और मेरे को डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट करना है तो मैं क्या करूंगा, सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट कर दूंगा कितने से, 500 रुपीज से। ठीक है जी, फिर मैं आता हूं अपने जी नंबर के ट्रांजैक्शन पे, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर फॉर ₹2000 वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। बच्चे मैंने सेल करी है आर को और वो मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना भूल गया, तो मैंने यहाँ पे लिखा आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये मेरा क्या है, कंप्लीट ओमिशन का केस है, तो क्या लिखूंगा मैं, आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना 2000 रुपीज, 2000 रुपीज। फिर मैं आता हूं अपने एच नंबर के ट्रांजेक्शन पे, तो क्या दे रखा हुआ है, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर, मतलब एच नंबर का ट्रांजेक्शन है सॉरी, तो अमाउंट ऑफ रुपीज 2395 ऑफ परचेज वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज रुपीज 2593। तो अमाउंट ऑफ रुपीज 2395 ऑफ परचेज वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज 2593। इसका क्या मतलब हुआ, मेरा जो परचेज का टोटल बन रहा था बच्चे 2395 का बन रहा था, मतलब मेरा जो परचेज अकाउंट डेबिट करना था, परचेज अकाउंट डेबिट करना था मेरे को कितने से, 2395 से। ठीक है, बट गलती से मैंने परचेज अकाउंट को जो डेबिट करा वो कितने से कर दिया, 2593 से कर दिया, मतलब मैंने एक्सेस डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट को। तो इसको सही करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको सही करने के लिए मैं परचेज अकाउंट को क्या करूंगा, क्रेडिट कर दूंगा कितने से, मैंने एक्सेस डेबिट कर रखा है, तो एक्सेस डेबिट जो मैंने कर रखा है वो बच्चे 2593 माइनस 2395 कितना आएगा, 198 रुपीज। ठीक है, अब मेरे को डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट करना है, तो मैंने यहां पर क्या करा, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया कितने से, 198 रुपीज से। ठीक है, तो यहां पे मैंने अपनी सारी की सारी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज तो पास कर दी है, बट बच्चे ये जो रेक्टिफिकेशन एंट्रीज मैंने पास करी है वो बच्चे आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स के केस में पास करी है। तो लगभग लगभग एंट्रीज क्या होंगी, सेम होने वाली है एंट्रीज हमारी आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स के केस में भी सेम होने वाली है, बस छोटा सा फर्क है, छोटा सा डिफरेंस है, वो अब हमें समझना है। ठीक है, अभी मैंने क्या करा, आपको नॉर्मल एंट्रीज पास कराई आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अब बच्चे बस छोटा सा फर्क है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स के केस में। तो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स के केस में अगर मैं आपको बताना चाहूं, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जितनी भी एंट्रीज आपने पास करी हैं उसमें आपके नॉमिनल अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व्ड है, आपके नॉमिनल अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व्ड है जो आप लोगों ने एंट्रीज पास कर रखी हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज जो पास करी हैं। तो चलो सबसे पहले देखते हैं नॉमिनल अकाउंट मेरे कौन कौन से इन्वॉल्व्ड है। तो मैंने यहां पे रेक्टिफिकेशन एंट्री नंबर 1 पे आया, मैंने यहां पे देखा कि जो ये रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करी है इसमें स्कूटर अकाउंट तो मेरा रियल अकाउंट है, कन्वेयंस अकाउंट मेरा क्या है, नॉमिनल अकाउंट। तो बच्चे जो कोई भी नॉमिनल अकाउंट मेरे को मिले मैं उसको काट के क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पे इसको लिख सकता हूं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जहां कहीं भी मेरे को नॉमिनल अकाउंट दिखे उसकी जगह मैं कौन सा अकाउंट यूज करना है, मतलब ओरिजिनल अकाउंट की जगह मैं कौन सा अकाउंट यूज करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो जैसे कि यहां पे डेप्रिसिएशन भी मेरा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, तो इसको काट के मैंने यहां पे क्या लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बस इतना ही फर्क होता है मेरा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स और आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स के केस में, कि हमें अपने नॉमिनल अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है, नॉमिनल अकाउंट्स के नाम की जगह मेरे को कौन सा अकाउंट यूज करना है, मतलब नॉमिनल अकाउंट जो भी है, जो भी नॉमिनल अकाउंट मेरा यूज हो रहा है उसकी जगह मेरे को क्या यूज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करना है। तो जैसे यहां पे मेरा क्या है, परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, तो मैं परचेज की जगह क्या लिख दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो
तो यहां पे मेरा परचेज और सेल्स दोनों ही क्या है, मेरा परचेज और सेल्स दोनों ही मेरा नॉमिनल अकाउंट है। यहां पे शायद मैंने सेल्स 2000 से लिखना था, गलती से 4000 रुपए लिख दिया, तो मैंने यहां पे सेल्स को 2000 करा। तो परचेज और सेल्स मेरा दोनों ही क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दोनों के केस में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मैं लिखूंगा। और डायरेक्टली टोटल कितना लिख दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का, 4000 रुपीज। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को मैं यहाँ पे डेबिट करूंगा कितने से, 4000 रुपीज से। और चलो आइडेंटिफाई करते हैं मेरे कहाँ कहाँ पे नॉमिनल अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड है। तो बच्चे बी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट दोनों ही पर्सनल अकाउंट है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट ये भी मेरा क्या है, पर्सनल अकाउंट है। क्यू अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट बच्चे ये भी मेरा क्या है, पर्सनल अकाउंट है। आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो बच्चे सेल्स मेरा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। मैंने यहाँ पे लिखा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है जी, फिर मैं अपने नेक्स्ट एंट्री पे आता हूं। तो मैंने यहाँ पे देखा कि परचेस अकाउंट मेरा यूज है, तो परचेस अकाउंट मेरा नॉमिनल अकाउंट है। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो बच्चे ये एंट्रीज हमें पास करनी होती है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स के केस में। बस मेरे को नॉमिनल अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने हैं, और जो भी नॉमिनल अकाउंट्स मेरे यूज हो गए एंट्री में उसकी जगह मैं कौन सा अकाउंट यूज करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करूंगा। ठीक है जी, फिर हमें क्या करना होता है, ये सब चीजें करने के बाद मेरे को एक एंट्री और पास करनी होती है कि बच्चे जो मेरे नॉमिनल अकाउंट्स अपियर हो रहे हैं, जो भी मेरे नॉमिनल अकाउंट्स अपियर हो रहे हैं वो बच्चे मेरे लास्ट ईयर के प्रॉफिट को इंपैक्ट कर रहे होंगे। नॉमिनल अकाउंट्स को मैंने जो भी रेक्टिफाई करा अभी, अगर मैं नॉमिनल अकाउंट को डेबिट कर रहा हूं तो मेरे लास्ट ईयर का प्रॉफिट कम होना चाहिए, नॉमिनल अकाउंट को अगर मैं क्रेडिट कर रहा हूं तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए। तो बच्चे जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स है वो मेरे प्रॉफिट को अफेक्ट कर रहे होंगे, प्रॉफिट को अफेक्ट कर रहे होंगे लास्ट ईयर के प्रॉफिट को। तो उसके लिए भी मेरे को एक एंट्री पास करनी पड़ती है कि मेरा प्रॉफिट कितने से अफेक्ट हो रहा है। तो उसके लिए भी मेरे को क्या करना पड़ता है, एक एंट्री पास करनी पड़ती है। तो उसके लिए मेरे को सबसे पहले क्या करना है, आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना सिखाना है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोगों को यहां पे बनाना है। तो मैंने यहां पे लिखा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यहां पे मतलब दो लाइन की जगह छोड़ देना, यहां पे दो लाइन की जगह छोड़ देना, यहां पे लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मेरे को बनाना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और मेरे को बस अब क्या करना है, एंट्रीज की पोस्टिंग करनी है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो देखो कहां कहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूज हो रहा है। तो बच्चे यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो मैंने यहां पे लिखा बाय स्कूटर अकाउंट, बाय स्कूटर अकाउंट कितना, 3000 रुपीज। ठीक है जी, बाय स्कूटर अकाउंट 3000 रुपीज। और बच्चे इसके बाद क्या हो रहा है, स्कूटर अकाउंट को मैं क्रेडिट कर रहा हूं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर रहा हूं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, किसके नाम से हो रहा है, स्कूटर के नाम से। तो मैंने यहां लिखा टू स्कूटर कितना, 300 रुपीज। अच्छा बच्चे इस केस में हम लोग क्या कर सकते थे, दोनों एंट्रीज मिला के भी पास कर सकते थे। हम लोग क्या एंट्री पास करते, स्कूटर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और अमाउंट कितना कर देते, 2700 रुपीज। तब भी मेरा क्या होता, इस एंट्री को सही माना जाता, चाहे तो मैं अलग अलग करके करूं चाहे मैं एक ही में पास कर दूं, मेरा जो इफेक्ट होगा वो सेम रहेगा, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं होगी और एग्जामिनर भी इसको अलाउ करता है। ठीक है, फिर मैं आता हूं बी नंबर पे। तो बी नंबर पे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो मैंने यहां पर लिखा बाय सस्पेंस अकाउंट, बाय सस्पेंस अकाउंट कितना, 10,000 रुपीस। फिर इसके बाद मैं अगर नेक्स्ट एंट्री पे आता हूं तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 4,000 रुपीस से डेबिट हो रहा है। तो 4,000 रुपीस से मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो मैंने यहां पे लिखा टू पी अकाउंट कितना, 4,000 रुपीस। टू पी अकाउंट कितना, 4,000 रुपीस। फिर मैं आता हूं अपने नेक्स्ट एंट्री पे जहां पे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूज हो रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है, आर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मेरा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है।
तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय आर अकाउंट कितना 2000 रुपीज, ठीक है जी। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट फिर से क्रिएट हो रहा है 198 रुपीज से, तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय सस्पेंस अकाउंट, बाय सस्पेंस अकाउंट कितना 198 रुपीज, ठीक है 198 रुपीज। तो मैंने अपने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस थे वो यहां पे पोस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अपना क्रेडिट साइड का टोटल करता हूं। तो क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो बच्चे मेरा कितना आ रहा है 15,198। तो बच्चे जो भी मेरा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, मेरा बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा 15,198 माइनस 4,300, तो मेरा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 10,898। तो जो ये मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा वो बच्चे मेरा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। वो मेरा प्रॉफिट होगा क्योंकि इतने अमाउंट से मैं क्रेडिट कर रहा हूं और इतने अमाउंट से डेबिट कर रहा हूं। तो बच्चे मेरा क्रेडिट ज्यादा है, मेरा डेबिट कम है। मेरे नॉमिनल अकाउंट्स का क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, मतलब ये मेरा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो जब कभी भी हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते थे, फाइनल अकाउंट्स में जो भी हमने नेट प्रॉफिट अर्न कर रखा है, जो भी हम लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अर्न करते, वो बच्चे हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। बच्चे जो भी हमारा प्रॉफिट होता है बिजनेस का, वो हमारा किसका प्रॉफिट होता है, प्रोप्राइटर का प्रॉफिट होता है। तो वो प्रॉफिट हम लोग कहां पे ट्रांसफर करते थे, उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग जब फाइनल अकाउंट्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब ये चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी, बट अभी के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होता है वो किसका होता है, उसके ओनर का होता है। तो उसके ओनर का प्रॉफिट हम लोग कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं, उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो बच्चे ये भी प्रॉफिट क्या है, लास्ट ईयर से रिलेटेड है, ये प्रॉफिट भी लास्ट ईयर से रिलेटेड है। तो ये भी बच्चे हम लोग अपने ओनर के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू रॉयस कैपिटल अकाउंट, टू रॉयस कैपिटल अकाउंट, टू रॉयस कैपिटल अकाउंट। तो बच्चे मेरी जर्नल एंट्री क्या बन के तैयार हुई, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू रॉयस कैपिटल अकाउंट। तो मैंने यहां पे लिखा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रॉयस कैपिटल अकाउंट, टू रॉयस कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आ रहा था, 10898, 10898, ठीक है 10898, 10898। तो बच्चे जो हमारा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स का केस होता है, बच्चे इस एंट्री के सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं। अगर ये चीज हमने सही से नहीं निकाली है तो एग्जामिनर हमारे क्या करेगा, नंबर काट लेगा, क्योंकि हमें यह दिखाना होता है कि इतने से मेरा लास्ट ईयर का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। 10898 की जो एरर थी, इस वजह से मेरा लास्ट ईयर का प्रॉफिट कम कैलकुलेट हुआ था। तो इतने अमाउंट से मेरा क्या होगा, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एंट्री के जो मेरे होते हैं वो सबसे ज्यादा नंबर होते हैं, ये हमारी एंट्री होती है, वो वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री होती है। इस एंट्री को हमें बिल्कुल सही पास करना होता। तो इस एंट्री को मैं चाहो तो डायरेक्टली भी पास कर सकता था, मेरे को क्या करना था, ये तो मैंने क्या करा है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं था, मैंने आपको बनाना सिखाया है कि ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मेरा वर्किंग नोट का पार्ट है, ठीक है, ये मेरा क्या है, वर्किंग नोट का पार्ट है। अगर मैं डायरेक्टली भी कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे कैलकुलेट करूंगा, 3000 से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या है, क्रेडिट है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मेरा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, मतलब मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, कितने से इंक्रीज हुआ, 3000। फिर बच्चे नॉमिनल अकाउंट डेबिट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो 300 रुपीज से प्रॉफिट लेस हुआ। तो मेरे साथ कैलकुलेटर साथ साथ यूज करते चलिए, ठीक है। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर रखा हूं, तो 300 मैंने माइनस करा तो अब प्रॉफिट कितना आया, 2700 रुपीज, ठीक है। अब क्या हो रहा है इस केस में, मेरा नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो 10,000 मैं इसमें ऐड करूंगा, ठीक है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट हो रहा है मतलब प्रॉफिट कम होगा, तो 4000 रुपये मैं माइनस करूंगा, ठीक है। मैंने 4000 रुपये माइनस करे, फिर मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है कितने से, 2000 रुपीज से। तो मैंने 2000 रुपीज और ऐड करे, ठीक है, 2000 रुपीज मैंने ये ऐड करे, ठीक है। फिर 198 रुपीज से मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट फिर से क्रेडिट हो रहा है, तो मैंने 198 रुपीज भी क्या करे, ऐड करे। तो 10898 का पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है, मतलब ये प्रॉफिट
मेरा इंक्रीज हो सकता था लास्ट ईयर में, मतलब ये मेरे लास्ट ईयर का प्रॉफिट 10898 से इंक्रीज हो जाएगा, तो 10898 से इंक्रीज हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करा और रॉय के कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। बच्चे प्रॉफिट जब हमें मिलता है तो मेरा क्या होता है, कैपिटल इंक्रीज होता है, तो कैपिटल इंक्रीज होता था तो हम लोग क्या करते थे, कैपिटल को क्रेडिट करते थे, तो हम लोग यहाँ पे कैपिटल को क्रेडिट ही कर रहे हैं। तो हमने ये वाली एंट्री भी पास कर ली है, ठीक है। तो इस एंट्री के सबसे ज्यादा नंबर होते हैं, ये हम लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। हम लोग नॉमिनल अकाउंट जितने क्रेडिट हो रहे हैं उसका टोटल निकाला, नॉमिनल अकाउंट जितने डेबिट हो रहे हैं उसका टोटल निकाला, डिफरेंस देखते हैं। अगर डिफरेंस प्रॉफिट आ रहा है तो ये वाली एंट्री पास हो जाएगी, अगर लॉस आ रहा है तो इसकी रिवर्सल एंट्री पास हो जाएगी, मतलब रॉयस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है जी। तो ये तो हो गई बच्चे एक बात। क्वेश्चन में हमें एक और चीज दे रखी हुई है, तो चलो उसको रीड करते हैं। मिस्टर रॉय वॉज अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर एंड रोट ऑफ द डिफरेंस टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ दैट ईयर। तो बच्चे जो भी डिफरेंस निकला, जो भी डिफरेंस था ट्रायल बैलेंस का, उन्होंने क्या करा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ करके खत्म कर दिया। मतलब जो भी सस्पेंस अकाउंट का डिफरेंस आया होगा ट्रायल बैलेंस में, उन्होंने क्या करा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया या क्रेडिट कर दिया। जो भी डिफरेंस था सस्पेंस अकाउंट का, अगर डेबिट बैलेंस था तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू राइट ऑफ कर दिया, और अगर सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू राइट ऑफ करके खत्म कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं बात करना चाहूं तो यहां पर सस्पेंस अकाउंट का कोई भी ओपनिंग बैलेंस तो आ नहीं रहा होगा नेक्स्ट ईयर में, बट हमने क्या करा है, कुछ एंट्रीज में सस्पेंस अकाउंट का भी यूज कर रखा है। जैसे ये एंट्री है, इसमें हम लोगों ने सस्पेंस अकाउंट का भी यूज कर रखा है। तो जब हमने लास्ट ईयर में सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस राइट ऑफ कर दिया, तो मेरे को करंट ईयर में भी तो लास्ट ईयर से रिलेटेड जो बैलेंस होगा, लास्ट ईयर के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो अमाउंट होगा, वो भी तो राइट ऑफ करना होगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्या प्रोसेस हुआ होगा। यहाँ पे मेरे साथ एक छोटा सा वर्किंग नोट लिखना और बात समझने की कोशिश करना, ठीक है। मेरा लास्ट ईयर में कुछ डिफरेंस आया, ठीक है, कुछ लास्ट ईयर में डिफरेंस आया, तो वो डिफरेंस मेरा कहां पे आता है, सस्पेंस अकाउंट में आता है, ठीक है। मेरा वो डिफरेंस कहां पे आता है, सस्पेंस अकाउंट में, वो मेरा डिफरेंस आता है सस्पेंस अकाउंट में। हो सकता है वो डेबिट बैलेंस हो सकता है वो क्रेडिट बैलेंस हो, ठीक है। अगर डेबिट बैलेंस होगा तो बच्चे वो भी मैंने क्या करा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ कर दिया, और अगर क्रेडिट बैलेंस था तब भी मैंने क्या करा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू राइट ऑफ कर दिया। फिर बच्चे क्या होता है, जब हम लोग अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां पे बनाते हैं, तो यहां पे या तो नेट प्रॉफिट आएगा या फिर नेट लॉस आएगा। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो कुछ भी होगा, हम लोग कहां पे लेकर जाते थे, कैपिटल अकाउंट पे लेकर जाते थे, ठीक है। हम लोग कहां पे लेकर जाते हैं, प्रॉफिट और लॉस अपना कैपिटल अकाउंट में लेकर जाते हैं, क्योंकि वो प्रोप्राइटर का प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब इस प्रॉफिट या लॉस में ये सस्पेंस अकाउंट का भी तो बैलेंस शामिल होगा, और सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस यहां पे शामिल होगा वो नेट प्रॉफिट में भी इंक्लूडेड होगा, अगर नेट लॉस है तो नेट लॉस में भी इंक्लूडेड होगा, और अल्टीमेटली वो कहां पे होके ट्रांसफर गया, कैपिटल अकाउंट में होके ट्रांसफर गया। मतलब मेरा सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू कहां पे जा चुका है, कैपिटल अकाउंट में जा चुका है। सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू कहां पे गया, कैपिटल अकाउंट में गया है। तो मेरे को अपने सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस अब कहां पे ट्रांसफर करना होगा, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। मतलब जो भी मैंने करंट ईयर में एंट्रीज पास करी हैं रेक्टिफिकेशन की, लास्ट ईयर से रिलेटेड जो भी मैंने करंट ईयर में एंट्रीज पास करी है रेक्टिफिकेशन की लास्ट ईयर से रिलेटेड, वो बच्चे सस्पेंस अकाउंट की जो भी एंट्रीज है वो मेरे को कहां पे लेकर जानी है, कैपिटल अकाउंट में लेकर जानी है, क्योंकि लास्ट ईयर का बैलेंस मैंने कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ करा है। तो मेरे को करंट ईयर की रेक्टिफिकेशन एंट्रीज का जो बैलेंस होगा सस्पेंस अकाउंट का, वो भी कहां पे लेकर जाना होगा, कैपिटल अकाउंट में लेकर जाना होगा। तो ये हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, या तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस हम लोग कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लें, या फिर दो लाइन का छोटा सा सस्पेंस अकाउंट बना लें। तो सस्पेंस अकाउंट चलो हम लोग दो लाइन का छोटा सा बना लेते हैं फटाफट से। तो चार लाइन का सस्पेंस अकाउंट मैंने बनाया, और देखता हूं मैं कौन कौन से ट्रांजैक्शन में सस्पेंस अकाउंट का यूज हो रहा है। तो बच्चे ये वाले अकाउंट में, ये वाले ट्रांजैक्शन पे सस्पेंस अकाउंट मेरा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है 10,000 रुपीज से। तो मैंने यहाँ पे लिखा सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड पे टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कितना, 10,000 रुपीज। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 10,000 रुपीज। फिर मैं देखता हूं कि मेरा सस्पेंस अकाउंट मैंने कहां पे यूज करा है। तो यहां पे यूज करा है बच्चे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट मेरा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड पे मैंने यहां पे क्या लिखा, टू सी अकाउंट कितना
कितना अमाउंट दे रखा हुआ है, 500 रुपीज। बच्चे ये 1000 रुपीज, इसको सही कर लेना, 500 नहीं है ये 1000 रुपीज है। फिर इसके बाद मैं अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आता हूं, तो यहां पे क्या हो रखा है, क्यू डेबिट टू 500 रुपीज, क्यू डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 500 रुपीज। तो सस्पेंस अकाउंट यहां पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो मैंने यहां पे लिखा बाय क्यू अकाउंट कितना 500 रुपीज, बाय क्यू अकाउंट कितना 500 रुपीज। इसके बाद मैं अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आता हूं, तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मेरा दे रखा हुआ है सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से, 198 रुपीज से। तो मैंने यहां पे क्या करा, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कितना 198 रुपीज, कितना 198 रुपीज। ठीक है, तो मैंने अपने सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन यहां पर लिख लिए। तो यहां पे मैंने क्या निकाला, सस्पेंस अकाउंट का टोटल निकाला, टोटल कितना आएगा 11,198 माइनस 500 कितना आएगा 10698 आएगा। और बच्चे इसको मैं कहां पे ट्रांसफर कर दूंगा, रॉय के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर का भी बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करा था, तो करंट ईयर का भी कहां पे ट्रांसफर करूंगा, रॉय के कैपिटल अकाउंट में। तो बाय रॉयस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बाय रॉयस कैपिटल अकाउंट, और ये मेरा क्या आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। ठीक है, तो इसकी एंट्री भी मेरे को पास करनी है, तो एंट्री क्या बनेगी, रॉयस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो मैं यहां पे एक एंट्री और लिख देता हूं जो मेरे को यहां पे लिखनी है, रॉयस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जगह मेरे पास यहां पे नहीं बची है, रॉयस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितना अमाउंट हो जाएगा ये, हम लोगों ने कितना अमाउंट कैलकुलेट करा था, 10698। तो बच्चे यहां पे हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये कुछ खास पॉइंट्स आप लोगों को, नए पॉइंट्स देखने को मिले। तो एक बार मैं फिर से आपको बताता हूं कि जितने भी क्वेश्चन में जब हम लोग अपना आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स का केस होता है, तो हम लोग एज इट इज सॉल्व करेंगे, जैसे कि हम लोग सॉल्व करते थे आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स के केस में, मतलब वैसे ही सॉल्व करना है। बट जहां कहीं भी नॉमिनल अकाउंट यूज हो रहा है, जहां कहीं भी नॉमिनल अकाउंट यूज हो रहा है, तो उस नॉमिनल अकाउंट की जगह मैं क्या लिख दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का मैं यूज करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का मैं यूज करूंगा, और पूरे के पूरे रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास कर दूंगा। ठीक है, फिर जब सारी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास हो जाएंगी, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, या फिर मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर में भी बैलेंस निकाल सकता हूं। बट अकाउंट बनाने से क्या होता है बच्चे, श्योरिटी हो जाती है कि हमने जो करा है वो सही करा है। कैलकुलेटर में गलती से कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस की गलती कर देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने में आपको वर्किंग नोट में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। तो एक क्या करिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट वर्किंग नोट में बना लीजिए, फिर जो भी बैलेंस आएगा, तो हो सकता है प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा हो सकता है प्रॉफिट डिक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो बच्चे मेरा कैपिटल इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो मेरा कैपिटल डिक्रीज होगा। तो मतलब इंक्रीज के केस में कैपिटल को क्रेडिट करूंगा, डिक्रीज केस में कैपिटल को डेबिट करूंगा अगर लॉस हो रहा है, और साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करूंगा, जैसे भी सिचुएशन। ठीक है, बट इस केस में क्या आता है, स्पेशल बात यह थी कि हम लोगों ने लास्ट ईयर का डिफरेंस जो था सस्पेंस अकाउंट का, वो राइट ऑफ कर दिया था। राइट ऑफ करके कहां गया था, कैपिटल अकाउंट में गया था। तो इस साल का भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो भी ट्रांजैक्शंस मैंने सस्पेंस अकाउंट से कर रखे हैं, वो भी मेरे को राइट ऑफ करने पड़ेंगे। बट जनरल क्वेश्चंस में क्या होता है ना, सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा होता है कि फाइनल अकाउंट्स में इतना सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंस आ रहा था, तो जनरली जनरल क्वेश्चन में ये एंट्री की जरूरत नहीं पड़ती, बट ये एंट्री का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे क्वेश्चन में। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे दे रखा है, तो ये क्वेश्चन ने हमसे कहा था इसीलिए हमने करा, वरना जनरली सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा होता है, ओपनिंग बैलेंस हमें पता होता है, तो हम लोग सारी की सारी एंट्रीज सस्पेंस अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं, और मेरा सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस अगर टैली हो जाता है तो बच्चे कोई दिक्कत ही नहीं होती है। ठीक है जी, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लिया। तो फिर अब मेरे साथ कुछ चीजों को नोट करना, मेरे को कुछ बातें आपको लिखवानी है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस के केस में, सॉरी आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स के केस में। तो यहां पे हेडिंग डाल देना आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, और मेरे को कुछ बातें आपको लिखवानी है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ
फाइनल अकाउंट्स। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, इट मींस रेक्टिफिकेशन, इट मींस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, इट मींस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट मे बी कैरीड फॉरवर्ड, मे बी कैरीड फॉरवर्ड और रिटर्न ऑफ, और रिटर्न ऑफ थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और रिटर्न ऑफ थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या तो हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं या फिर राइट ऑफ कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। ठीक है, इफ द बैलेंस इज कैरीड फॉरवर्ड, if the balance is carried forward, the total of suspense account will tally after rectification of errors, after rectification of errors, in case balance of suspense account is written off, balance of suspense account is written off the rectification balance in suspense account after rectification should also be written off। ठीक है जी, इसके बाद we have to use profit and loss adjustment account, profit and loss adjustment account in case there is a nominal account involved in the rectification entry. We have to use profit and loss adjustment account in case there is a nominal account involved in the rectification entry. So nominal account, we have to use profit and loss adjustment account इन केस देर इज अ नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व इन द रेक्टिफिकेशन एंट्री, मतलब इन प्लेस ऑफ नॉमिनल अकाउंट हमें क्या यूज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करना है। ठीक है, आफ्टर पासिंग ऑल द एडजस्टमेंट एंट्रीज We have to prepare profit and loss adjustment account
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड पास अ एंट्री शोइंग नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन लास्ट ईयर्स प्रॉफिट इन लास्ट ईयर्स प्रॉफिट और लॉस. ठीक है, तो मैं यहां पे क्या एंट्री पास करूंगा, इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ प्रॉफिट मैं क्या एंट्री पास करूंगा और इन केस ऑफ लॉस मैं क्या एंट्री पास करूंगा, इन केस ऑफ लॉस. In case of profit and in case of loss. तो profit के केस में मैं क्या करूंगा, profit and loss adjustment account to ROIC capital account, और in case of loss मैं क्या entry pass करूंगा, ROIC capital account to profit and loss एडजस्टमेंट अकाउंट. ठीक है, तो ये एंट्री मैं पास करूंगा प्रॉफिट के केस में और ये मैं पास करूंगा लॉस के केस में. ठीक है जी, अब मेरे को एक छोटी सी और बात करनी है इसी से रिलेटेड. जब बच्चे हम लोग करंट ईयर की मिस्टेक्स नेक्स्ट ईयर में ढूंढते हैं, जैसे कि 2018-19 की मिस्टेक्स अगर मैं 2019-20 में ढूंढता हूं, ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि हम लोग क्या बनाते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं नेक्स्ट ईयर में. ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं वो बच्चे लास्ट ईयर के प्रॉफिट पे होने वाला इंपैक्ट दिखाता है. ठीक है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट पे होने वाला इंपैक्ट दिखाता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. तो इसको अगर हम लोग बोले तो ये हमारा क्या हो सकता है, प्रायर पीरियड आइटम भी हम लोग इसको बोल सकते हैं. प्रायर पीरियड का मतलब लास्ट ईयर से रिलेटेड जो मैंने मिस्टेक सही करी है उसको मैं क्या बोल सकता हूं, प्रायर पीरियड आइटम्स. तो प्रायर पीरियड आइटम्स में लास्ट ईयर या फिर इससे भी पुराने ईयर्स, मतलब और पुराने ईयर्स, लास्ट टू लास्ट ईयर्स, उसकी भी मिस्टेक्स हो सकती है लास्ट टू लास्ट ईयर्स. ठीक है, तो ये तो मेरे को नहीं पता है ना, हो सकता है मेरा 2017-18 की मिस्टेक मेरे को 2019-20 में मिली हो, तो मैं इस ईयर में रेक्टिफाई कर रहा हूं, तो मेरा वो क्या हो जाएगा, प्रायर पीरियड आइटम हो जाएगा. तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करेंगे, क्योंकि ये मेरे पिछले सालों के प्रॉफिट का इंपैक्ट है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू मैं लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स में इंपैक्ट दिखाना चाहता हूं. ठीक है, तो जब कभी भी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता हूं करंट ईयर के, ठीक है, जब कभी भी मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता हूं करंट ईयर के, मतलब मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें मैं करंट ईयर का प्रॉफिट अलग दिखाऊंगा, मतलब प्रॉफिट ऑफ द ईयर मैं ऐसे दिखाऊंगा. मतलब मैंने पहले क्या करूंगा, अपने सारे रेवेन्यूज लिखूंगा, मैं अपने सारे एक्सपेंसेस लिखूंगा और मेरा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट ऑफ द ईयर आ जाएगा, मतलब करंट ईयर का मैं निकालूंगा, प्रॉफिट ऑफ द ईयर ऐसे मैं लिख दूंगा और उसके बाद मैं लिखूंगा प्रायर पीरियड आइटम्स, प्रायर पीरियड की वजह से प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, लास्ट ईयर के एडजस्टमेंट्स की वजह से मेरे प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा. उसके बाद मेरा जो आएगा वो टोटल प्रॉफिट या लॉस आएगा. मतलब मैं जब करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगा, मतलब 2019-20 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगा, तो मैं 2019-20 का प्रॉफिट अलग निकालूंगा और लास्ट ईयर के रेक्टिफिकेशन की वजह से जो मेरा प्रॉफिट में इंपैक्ट आएगा वो बच्चे मैं अलग से दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे को अपने करंट ईयर का प्रॉफिट बिल्कुल सही दिखाना है, क्योंकि ये प्रॉफिट हम लोग डिनोट किसको करते हैं, अपने शेयर होल्डर्स को बताते हैं, अपने क्रेडिटर्स को बताते हैं, वो लोग ये प्रॉफिट को देखते हैं. और प्रायर पीरियड की गलतियों की वजह से क्या प्रॉफिट में इंपैक्ट आ रहा वो भी हम लोग लिखते हैं, क्योंकि ये प्रायर पीरियड से रिलेटेड है, तो हम लोग उसका इंपैक्ट करंट ईयर के प्रॉफिट में नहीं डालना चाहते. तो ऐसे हम लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या करते हैं, इसको प्रेजेंट करते हैं, प्रायर पीरियड आइटम्स को हम लोग क्या करते हैं, सेपरेटली दिखाते हैं, सेपरेटली हम लोग प्रायर पीरियड के आइटम्स को दिखाते हैं. तो हम लोग लिख सकते हैं सेपरेटली शोन. ठीक है, ये चीज आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि हम लोग अपने लास्ट ईयर के इम्पैक्ट्स को
सेपरेटली दिखाते हैं करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है जी। तो ये बात मेरे को आपसे और बतानी थी, तो चलो हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 16 ओपन कर लीजिएगा। तो क्या दे रखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16? द फॉलोइंग मिस्टेक्स वर लोकेटेड इन द बुक्स ऑफ अ कंसर्न आफ्टर इट्स बुक्स वर क्लोज्ड एंड अ सस्पेंस अकाउंट वॉज ओपन्ड इन ऑर्डर टू गेट द ट्रायल बैलेंस एग्रीड। तो दे रखा हुआ है सेल्स डे बुक वॉज ओवरकास्ट बाय रुपीज 1000, अ सेल ऑफ रुपीज 5000 टू एक्स वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ वाई, जर्नल एक्सपेंसिस ऑफ रुपीज 180 वॉज पोस्टेड इन द जर्नल लेजर एज रुपीज 180, अ बिल रिसीवेबल फॉर रुपीज 1550 वॉज पास्ड थ्रू बिल्स पेबल बुक, द बिल वॉज गिवन बाय पी, लीगल एक्सपेंसिस रुपीज 1190 पेड टू मिस नीतू वॉज डेबिटेड टू हर पर्सनल अकाउंट, कैश रिसीव फ्रॉम राम वॉज डेबिटेड टू श्याम रुपीज 1500, वाइल कैरिंग फॉरवर्ड द टोटल ऑफ वन पेज ऑफ द परचेज बुक टू द नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ रुपीज 1235 वॉज रिटन एज रुपीज 1325, फाइंड आउट द नेचर एंड अमाउंट ऑफ सस्पेंस अकाउंट and pass entries including narration for the rectification of above errors in the subsequent year's book. और ये बच्चे क्वेश्चन हमारा आया है ICAI नवंबर 2018 में। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग प्रॉपरली फॉर्मल वे में करने वाले हैं, ठीक है, जैसे कि मेरे को एग्जाम में प्रेजेंट करना है। अभी तक मैंने आपको एक्चुअल लॉन्ग और रेक्टिफाई करके कराया, तो वो हम लोग वर्किंग नोट्स में करेंगे। बट हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉपर फेयर मैनर में एक क्वेश्चन करके देखना चाहते हैं कि हमें एग्जाम में करना होगा तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने अभी तक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल फेयरली मैनर में करके नहीं दिखाया। ये वाला क्वेश्चन मैं बिल्कुल फेयर मैनर में करूंगा, जैसे मेरे को एग्जाम में अपेयर होना है, और एग्जाम में मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन कब आया, ICAI नवंबर 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मेरे को पता है ये क्वेश्चन कब का है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स का है, ठीक है। ये क्वेश्चन कब का है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स का है, क्योंकि इसमें दे रखा है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ अबव एरर्स इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स बुक, इसमें साफ साफ दे रखा है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसको पूरा प्रॉपर मैनर्स में सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहां पे लिखना मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए मेरे को क्या पास करनी होती होंगी, जर्नल एंट्रीज एग्जाम में पास करनी होती है। तो मैंने यहां पे लिखा जर्नल, ठीक है, और जर्नल का मेरे साथ आप लोग फॉर्मेट बना लीजिए। तो यहां पे डेट की कोई नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि डेट रिक्वायर्ड नहीं है। तो मैंने यहां लिखा पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नंबर, अमाउंट रुपीस, ठीक है। इसको हम लोग प्रॉपर मैनर में सॉल्व करने वाले हैं। तो मेरे साथ आप लोग भी कॉलम्स को ड्रॉ कर लीजिए। तो चलो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है कि सेल्स डे बुक वॉज ओवरकास्ट बाय रुपीज 1000। तो सेल्स डे बुक है वो ओवरकास्ट है बाय रुपीज 1000, मतलब मैंने सेल्स अकाउंट को 1000 रुपीज से ज्यादा क्रेडिट कर रखा होगा, इसीलिए ओवरकास्ट है। तो इसको सही करने के लिए मैं क्या करूंगा, सेल्स अकाउंट को डेबिट करूंगा। बच्चे सेल्स मेरा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, तो सेल्स के अकाउंट की जगह मैं क्या डेबिट कर दूंगा, डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मैं डायरेक्टली डेबिट कर दूंगा। मेरे को पता है सेल्स अकाउंट मेरा नॉमिनल अकाउंट है, और मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ वो कौन सा कर रहा हूँ, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो सेल्स अकाउंट मेरा नॉमिनल अकाउंट है, तो उसकी जगह मैं क्या यूज करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और बच्चे डबल एंट्री सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। तो कितना अमाउंट दे रखा हुआ है, 1000 रुपीज, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या नरेशन लिख सकता हूँ, बींग सेल्स ओवरकास्ट रेक्टिफाइड, बींग सेल्स ओवरकास्ट रेक्टिफाइड, ठीक है जी। फिर मैं आता हूं अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में, अ सेल ऑफ रुपीज 5000 टू एक्स वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ वाई। बच्चे मैंने एक्स को सेल करी है, बट गलती से वाई के अकाउंट को डेबिट कर दिया। एक्स के अकाउंट को मेरे को डेबिट करना था, बट गलती से मैंने वाई के अकाउंट को डेबिट कर दिया।
तो चलो हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम लोग अभी एक्चुअल लॉन्ग और रेक्टिफाई पे नहीं जाते हैं, तो अगर डायरेक्टली सॉल्व करना होगा तो मैं क्या करूंगा, एक्स को डेबिट करना था, तो चलो मैं यहाँ पे एक्स को डेबिट कर देता हूँ। एक्स अकाउंट डेबिट कितने से, 5000 रुपीज, कितना 5000 रुपीज। और बच्चे मैंने वाई को गलती से डेबिट कर दिया, तो मैं क्या करूंगा, 2y अकाउंट, कितना 5000 रुपीज। तो मैंने यहां पे लिखा बिंग सेल ऑफ रुपीस 5000 टू एक्स रॉन्गली पोस्टेड टू वाइज अकाउंट, ठीक है जी। फिर मैं अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आता हूं, जर्नल एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 180 वॉज पोस्टेड इन द जर्नल लेजर एस रुपीज 810। तो बच्चे जर्नल एक्सपेंसेस जो मेरे थे 180 के, वो मैंने गलती से पोस्ट कितने कर दिए, 810, मतलब मैंने अपने जर्नल एक्सपेंसेस ज्यादा पोस्ट कर दिए। जर्नल एक्सपेंसेस मैंने कितने ज्यादा से पोस्ट करें, 630 रुपीज से ज्यादा पोस्ट करें। तो मैं एक्सपेंसेस को अब क्या करने जा रहा हूं, कम करने जा रहा हूं, मतलब एक्सपेंसेस को मेरे को क्या करना है, क्रिएट करना होगा। बट बच्चे एक्सपेंसेस मेरा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, तो मैं जनरल एक्सपेंसेस की जगह कौन सा अकाउंट यूज करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करूंगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से मैंने क्या करा, क्रेडिट कर दिया। कितने अमाउंट से क्रेडिट करना है, 630 रुपीज से क्रेडिट करना है, ठीक है, 630 रुपीज से क्रेडिट करना है, ठीक है जी। और मेरे को अपना डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट करना है, तो मैं क्या करूंगा, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। सस्पेंस अकाउंट को मैं डेबिट कितने से करूंगा, 630 रुपीज से, ठीक है जी। तो मैंने यहां पे लिखा बिंग जर्नल एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 180 पोस्टेड एस रुपीज 810 पोस्टेड एस रुपीज 810। फिर मैं आता हूं अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, क्या दे रखा हुआ है, अ बिल रिसीवेबल फॉर रुपीज 1550 पास थ्रू बिल्स पेबल बुक, द बिल वॉज गिवन बाय पी। तो चलो इसको हम लोग एक वर्किंग नोट के थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक नया ट्रांजेक्शन आप लोगों के लिए आ गया। तो चलो हम लोग वर्किंग नोट पे आते हैं। जब कभी भी कोई ट्रांजेक्शन एग्जाम में ना समझ में आए, तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्चुअल लॉन्ग और रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल मेरा सबसे पहले देखते हैं एक्चुअल एंट्री क्या होनी चाहिए थी। एक्चुअल एंट्री की अगर मैं बात करूं, तो बिल रिसीवेबल था, बिल रिसीवेबल मेरे को पी से रिसीव हुआ, तो मैं यहां पे क्या एंट्री पास करनी चाहिए थी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पी, कितने से पास करना था, 1550 से। बट गलती से मैंने ये बिल्स रिसीवेबल अपने बिल्स पेबल बुक में रिकॉर्ड कर लिया, बिल्स रिसीवेबल को मैंने अपने बिल्स पेबल बुक में रिकॉर्ड कर लिया, तो मैंने क्या करा होगा, पी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, कितना 1550। अब मेरे को क्या करना है, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है, तो बिल्स रिसीवेबल को मैंने डेबिट करना था, मैंने बिल्स रिसीवेबल को यहां पे क्या करा, डेबिट करा, कितने से, 1550 से। पी को मेरे को क्रेडिट करना था 1550 से, तो चलो मैं पी को क्रेडिट कर देता हूं 1550 से। बट बच्चे गलती से मैंने पी को डेबिट कर रखा है 1550 से, तो मेरे को इसको सही करने के लिए 1550 से क्रेडिट भी करना पड़ेगा पी को। 1550 प्लस 1550 कितना हो जाएगा, 3100 रुपीज से मैंने क्या करा, पी को क्रेडिट कर दिया, ठीक है जी। और बिल्स पेएबल को गलती से क्रेडिट कर रखा है, तो बिल्स पेएबल को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, कितने से, 1550 से। तो ये मेरी क्या हुई, रेक्टिफिकेशन एंट्री बन के तैयार हुई। तो चलो हम लोग यहां पे लिख लेते हैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट, ठीक है, पी अकाउंट कितना अमाउंट था, 1550 और कितना, 3100, ठीक है, 3100। मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, नरेशन बिंग
बींग बिल्स रिसीवेबल रॉन्गली रिकॉर्डेड एज बिल्स पेबल. ठीक है जी, तो हम लोगों ने यहां पे ट्रांजेक्शन नंबर डी बी यहां पे रिकॉर्ड कर लिए. ठीक है, फिर हम लोग आते हैं अपने ट्रांजेक्शन नंबर ई पे. तो क्या दे रखा है, लीगल एक्सपेंसेस रुपीज 1190 पेड टू मिडिस नीतू वॉज डेबिटेड टू हर पर्सनल अकाउंट. तो बच्चे मैंने लीगल एक्सपेंसेस पे करें तो लीगल एक्सपेंसेस के अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था और कैश के अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था. तो मैंने क्या कर रखा है, नीतू के अकाउंट को डेबिट करा है और कैश के अकाउंट को क्रेडिट करा है. मतलब कैश तो मैंने सही करा है पर लीगल एक्सपेंसेस की जगह मैंने क्या करा है, नीतू के अकाउंट को डेबिट कर रखा है. तो मैंने रेक्टिफिकेशन एंट्रीज में क्या करना है, लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट करना है, नीतू के अकाउंट को क्रेडिट करना है. बट बच्चे लीगल एक्सपेंसेस का जो मेरा अकाउंट है वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट है. तो नॉमिनल अकाउंट है तो मैं कौन सा अकाउंट यूज करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मैं यहाँ पे लिख दूंगा. तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मृस नीतू मैंने यहां पे क्या करा, क्रेडिट कर दिया. कितना अमाउंट है, 1190. मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, बींग नीतू अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड. ठीक है जी, इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दे रखा हुआ है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम वॉज डेबिटेड टू श्याम. वैसे मेरे को कैश रिसीव हुआ है राम से तो मेरी क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू राम 1500 रुपीज. बट गलती से मैंने श्याम के अकाउंट को डेबिट कर दिया 1500 रुपीज से. श्याम के अकाउंट को मैंने गलती से डेबिट कर दिया 1500 रुपीज से. तो सबसे पहले मैं क्या करना चाहूंगा यहां पे, तो मेरे साथ यहां पे लिखना एफ. तो मैंने राम के अकाउंट को क्या करना था, क्रेडिट करना था. तो मैंने यहां पे राम के अकाउंट को तो क्रेडिट कर दिया, राम अकाउंट को क्रेडिट कर दिया. तो टू राम अकाउंट मैंने यहां पे लिखा. कितना अमाउंट दे रखा हुआ है, 1500 रुपीज. मैंने गलती से श्याम को डेबिट करा था तो श्याम को भी सही कर दिया, श्याम अकाउंट को भी मैंने सही करा. श्याम अकाउंट को यहां पे क्रेडिट कर दिया 1500 रुपीज से. अब अच्छे मेरे को अपना डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट करना है तो मैं यहां पे क्या करूंगा, सस्पेंस अकाउंट को क्या करूंगा, डेबिट कर दूंगा. कितने से, 3000 रुपीज से. ठीक है जी, मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, बींग रिमूवल ऑफ रॉन्ग डेबिट टू श्याम. ठीक है जी, फिर मैं अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आता हूं. और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मेरे को क्या दे रखा हुआ है, वाइल कैरिंग फॉरवर्ड द टोटल ऑफ वन पेज ऑफ द परचेज बुक टू द नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ रुपीज 1235 वॉज रिटन एज 1325. तो हम लोग परचेज बुक का टोटल एक पेज से दूसरे पेज पे ले जा रहे हैं और टोटल कितना था 1235 का. गलती से मैंने कितना लिख दिया, 1325. मतलब मैंने 90 रुपीज से ज्यादा टोटल लिख दिया, मतलब परचेज अकाउंट को मैंने ज्यादा डेबिट कर दिया 90 रुपीज से. तो मैं क्या करूंगा इसको सही करने के लिए, क्रेडिट करूंगा. तो बच्चे परचेज अकाउंट मेरा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है. तो मैं यहां पर कौन सा अकाउंट यूज करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. और मैं यहां पे 90 रुपीज से क्या करूंगा, क्रेडिट कर दूंगा. बट बच्चे मेरे को अपना डबल एंट्री सिस्टम भी कंप्लीट करना है तो डबल एंट्री सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दूंगा. सस्पेंस अकाउंट को मैं कितने से डेबिट करूंगा, 90 रुपीज से डेबिट कर दूंगा. तो यहां पे मैंने क्या करा है, अपनी सारी की सारी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज तो पास कर दी है और मैं यहां पे नरेशन भी लिख देता हूं, बींग परचेज अकाउंट, या फिर मैं लिख सकता हूं बींग परचेज बुक टोटल रॉन्गली
कैरीड फॉरवर्ड, रॉन्गली कैरीड फॉरवर्ड। तो यहां पे मैंने अपना सारा का सारा रेक्टिफिकेशन वाला पार्ट तो कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन मेरे से और क्या कह रहा है कि सस्पेंस अकाउंट बनाओ, और मेरे को पता है कि जहां पे भी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की बात होगी, मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस में क्या फर्क पड़ रहा है उसकी भी एंट्री पास करके दिखानी है। तो मैं चाहूं तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना लूं, मैं चाहूं तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ना भी बनाऊं, तो वो मेरे ऊपर है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो मेरे को बनाना है, वो तो कंपलसरी पार्ट हो गया। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो मैं चाहूं तो बनाऊं वर्किंग नोट में, चाहूं तो ना बनाऊं। तो चलो मैं यहाँ पे नहीं बनाता हूं, बट आप लोग चाहो तो बना भी सकते हो, उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना है। मेरे को देखना है कौन कौन से आइटम्स डेबिट हो रहे हैं, मेरे को देखना है कौन कौन से आइटम्स क्रेडिट हो रहे हैं। तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से रिलेटेड मैं देखता हूं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट अगर मैं देखूं तो फर्स्ट एंट्री में क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, मतलब मेरा प्रॉफिट 1000 से कम होगा। कैलकुलेटर साथ में लेकर चलना आप लोग, तो -1000, ठीक है। अब यहां पे आना तो यहां देखना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, मतलब प्रॉफिट इंक्रीज होगा, तो +6630, ठीक है जी। फिर यहां पे देखना प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा है, तो मतलब -1190। फिर यहां पे अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने से, 90 से। तो मेरा जो ये आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1470, मतलब 1470 रुपीज से मेरा प्रॉफिट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। 1470 रुपीज से मेरा प्रॉफिट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो मैं क्या लिख दूंगा यहां पे, मैं क्या एंट्री पास कर दूंगा यहां पे, प्रॉफिट मेरा डिक्रीज हो रहा है मतलब मेरा कैपिटल भी डिक्रीज होगा, मेरे लॉस से कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कितना, 1470, ठीक है, बींग लॉस ऑन रेक्टिफिकेशन being loss on rectification transfer to being loss on rectification transfer to capital account, ठीक है जी। तो ये एंट्री भी मैंने यहां पे पास कर दिया। अब मेरे से क्वेश्चन और क्या कह रहा है कि सस्पेंस अकाउंट भी बना के दिखा दो, तो मैं यहां पे सस्पेंस अकाउंट दो लाइन का बना देता हूं, सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट मेरे को बनाना है, और सस्पेंस अकाउंट के लिए मेरे से क्वेश्चन ने क्या क्या रखा है कि फाइंड आउट द नेचर एंड अमाउंट ऑफ सस्पेंस अकाउंट। तो मेरे को ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रखा है, तो मेरे को क्या करना है, अपना ओपनिंग बैलेंस सस्पेंस अकाउंट का निकालना है कि मेरा ओपनिंग बैलेंस सस्पेंस अकाउंट का क्या होना चाहिए था। तो चलो देखते हैं कि कौन कौन सी मेरे रेक्टिफिकेशन एंट्रीज में सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व है। तो मेरे साथ अपनी एंट्रीज खोलना, तो सबसे पहले देखना यहाँ पे मेरे फर्स्ट एंट्री में सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो रहा है। तो चलो मैं सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट करता हूं यहां पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कितना, 1000 रुपीज, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 1000 रुपीज। और कहां पे देखो सस्पेंस अकाउंट यूज हो रहा है, तो सस्पेंस अकाउंट यहां पे मेरा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है कितने से, 630 रुपीज का। तो मैं अपने सस्पेंस अकाउंट पे आया, मैंने यहां पे लिखा क्या, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कितना, 630 रुपीज, ठीक है, 630 रुपीज। फिर मैं आता हूं तो मेरा सस्पेंस अकाउंट और कहां पे यूज हो रहा है, तो सस्पेंस अकाउंट मेरा यूज हो रहा है, तो इस पेज में तो और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, नेक्स्ट पेज पे मैं आता हूँ। हाँ बच्चे, यहाँ पे मेरा सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है राम और श्याम के नाम से, तो टू राम टू श्याम कितना, 1500 रुपीज और 1500 रुपीज, ठीक है। फिर से मेरा यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है 90 रुपीज से, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 90 रुपीज, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 90 रुपीज, ठीक है। तो मैंने सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिए, तो चलो टोटल करते हैं। तो डेबिट का टोटल ज्यादा आएगा, डेबिट का टोटल मेरा कितना आ जाएगा, डेबिट का टोटल मेरा आ रहा है 3720,
3720, ठीक है। डिफरेंस मेरा जो भी निकल के आएगा, कितना डिफरेंस आएगा, 2720 का डिफरेंस आएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, ठीक है। और ये मैंने क्या निकाला है, एज अ बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व कर दिया, जो हमारे ICAI एग्जाम्स में नवंबर 2018 अटेम्प्ट में आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक और क्वेश्चन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स का करा दिया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको कुछ बातें और बताने जा रहा हूं। तो मैं अब आपको क्वेश्चन नहीं कराने जा रहा हूं, क्योंकि अब मैं आपको क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस मैं होमवर्क में आपको देने जा रहा हूं, तो उससे रिलेटेड मैं थोड़ी सी बातें करना चाहता हूं। मैं जब अभी आपको क्वेश्चन में होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 12 दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में एक पॉइंट दे रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 में एक पॉइंट दे रखा हुआ है, पॉइंट नंबर जो है, पॉइंट नंबर है जी। तो क्या दे रखा हुआ है, एट द क्लोज ऑफ द ईयर द कस्टमर स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स, द सेल प्राइस वॉज 25% अबव कॉस्ट, द सेल प्राइस वॉज 25% अबव कॉस्ट, एट द क्लोज ऑफ द ईयर द कस्टमर स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स। इसमें कुछ मिस्टेक है, ये पॉइंट जी नहीं है, ये एफ और एफ ही पॉइंट है, और इन्होंने कुछ मतलब कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। तो हमारा टाइपिस्ट है वो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स करता रहता है, ठीक है। तो चलो एक बार फिर से रीड आउट करते हैं। पॉइंट नंबर जो एफ है, गुड्स वर्थ ₹1000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू अ कस्टमर एंड एंटर्ड इन द सेल्स बुक, एट द क्लोज ऑफ द ईयर द कस्टमर स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स, द सेल प्राइस वॉज 25% अबव कॉस्ट। तो हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज देनी है टू रेक्टिफाई द एरर्स इन अ वे सो एज टू शो द करंट ईयर्स प्रॉफिट और लॉस करेक्टली। तो जो ये मेरा क्वेश्चन है वो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स का केस है, बट बच्चे जो ये केस दे रखा है, केस नंबर एफ, तो ये बच्चे ये केस सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस वाले चैप्टर से रिलेटेड है, और वो चैप्टर अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। तो या तो मैं एक काम करूं, ये पॉइंट को अभी रोक दूं, और जब मैं पढ़ाऊंगा वो चैप्टर तब मैं आपसे डिस्कस करूं ये वाला पॉइंट, एक तरीका तो ये होता है। या फिर ये होता है कि मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं और समझा दूं अभी के लिए, जब आप लोग वो चैप्टर पढ़ लेंगे उसके बाद जब ये वाला पॉइंट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं अभी सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना चाहता हूं कि थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं, क्योंकि वो जब चैप्टर पढ़ लेंगे तब तो ये पॉइंट बहुत ईजी हो जाने वाला है, बट अभी के लिए मेरे को ये करके खत्म करना है। तो चलो पहले मैं बताता हूं कि क्या दे रखा है, कि गुड्स वर्थ ₹1000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू अ कस्टमर। तो बच्चे जब कभी भी हम लोग सेल और रिटर्न बेसिस पे देते हैं, मतलब मैंने कस्टमर को दे दिया गुड्स और कस्टमर से कहा अगर आपको गुड्स पसंद आए तो रखना और ना पसंद आए तो मेरे को वापस कर देना, तो मैं अपने कस्टमर्स को दे देता हूं जिससे कि मेरी सेल्स बढ़े, अपने कस्टमर में अपना ट्रस्ट जनरेट कर रहा हूं, ठीक है। तो जब कभी भी मैं अपने कस्टमर को गुड्स देता हूं कि भाई ले जाओ, पसंद आए तो रख लेना, ना पसंद आए तो मेरे को वापस कर देना। तो जब कभी भी हम लोग कस्टमर को गुड्स ऐसे देते हैं सेल और रिटर्न बेसिस में, तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत ही सेल्स बुक कर लेते हैं। तो जब हम लोग सेल्स बुक करते होंगे तो हम लोग क्या एंट्री पास करते होंगे, समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 का एफ पार्ट, ठीक है। 12 का एफ पार्ट क्या दे रखा है, कि जब हम लोग सेल्स करते हैं कस्टमर को तो हम लोग क्या एंट्री पास करते होंगे, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल्स करी है, ₹1000 की सेल्स करी है, ठीक है, ₹1000 की कस्टमर को सेल करी है। बट बच्चे क्या होता है, मैंने सेल करी, ठीक है, सेल करी और मेरा ईयर एंड आ गया। फॉर एग्जांपल जो ये मैंने सेल करी है वो 25th मार्च को करी है, ठीक है, 25th मार्च 2019 को करी है और 31st मार्च आ गया, ठीक है। 31st मार्च को मेरे को अभी तक कन्फर्मिटी नहीं मिली, कन्फर्मेशन नहीं मिली है कि कस्टमर ये प्रोडक्ट लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता। हो सकता है मेरे को कस्टमर ये प्रोडक्ट वापस कर दे आके, कन्फर्मेशन मेरे को तब मिल जाती है या तो एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम एक्सपायर हो गया हो, या फिर कस्टमर ने अपनी वो जो कंसेंट है वो दे दिए, कंसेंट दे दिए कि मैं इस प्रोडक्ट को यूज करूंगा, या फिर कस्टमर को एक ऐसा एक्ट करता है जो ये डिनोट करता है कि वो ये प्रोडक्ट यूज करेगा। तो वो 31 मार्च तक मेरे को कंफर्मेशन नहीं मिली है, और 31 मार्च मेरा क्या आ गया, ईयर एंड आ गया।
अब ईयर एंड में मैं क्या करूंगा, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगा। ईयर एंड में मैं क्या करूंगा, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगा। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब मेरे को बनाने हैं तो मेरे को अभी तक श्योर नहीं है कि ये सेल्स होगी भी कि नहीं होगी, हो सकता है कस्टमर मेरा आके वापस कर दे। तो हम लोग कौन से कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं बच्चे, प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं। प्रूडेंस क्या कहता है, डू नॉट प्रोवाइड फॉर एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर एंटीसिपेटेड लॉस। तो बच्चे अगर हम लोग इसको सेल्स मान लेंगे, हो सकता है मेरा नेक्स्ट ईयर में कस्टमर आके गुड्स वापस कर दे, हो सकता है 2 अप्रैल को आके वापस कर दे, 3 अप्रैल को वापस कर दे, तो 31 मार्च को तो मैं गलत पोजीशन प्रेजेंट कर दूंगा। तो प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, डू नॉट प्रोवाइड फॉर एंटीसिपेटेड प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर एंटीसिपेटेड लॉस। तो मतलब हम लोग एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स की बुकिंग नहीं कर सकते। अब बच्चे मैंने यहाँ पे क्या करा होगा, 25 मार्च को ये एंट्री पास करी होगी, ठीक है, 25 मार्च को एंट्री पास करी होगी। तो 31 मार्च को जब सेल्स कंफर्म नहीं होगी तो मैं क्या करूंगा, इसकी एक रिवर्सल एंट्री पास कर दूंगा और अपनी सेल्स को रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। मतलब मैंने अपने क्या करा, सेल्स का रिवर्सल कर लिया, कितने से, 1000 रुपीज से अपने सेल्स का रिवर्सल कर लिया, ठीक है। ये तो मेरे हो गए सेल्स के रिवर्सल से रिलेटेड एंट्री। बट बच्चे मैंने जो अपने गुड्स हैं वो तो कस्टमर को दे रखे हैं, मेरे गुड्स तो कस्टमर के पास रखे हुए हैं, मेरे गुड्स तो अभी भी कस्टमर के पास रखे हुए हैं। तो कस्टमर के पास जब मेरे गुड्स रखे हुए हैं तो वो मेरे को अपने इन्वेंट्री में भी इंक्लूड करने होंगे, गुड्स मेरे पास रखे हों या फिर कस्टमर के पास रखे हों, है तो अभी मेरे क्योंकि सेल हुई नहीं है, तो गुड्स है मेरे, मेरे गुड्स अगर मेरे गोडाउन में रखे हो या मेरे घर पे रखे हो कोई फर्क पड़ता है नहीं ना। तो जैसे कि मेरे गुड्स मेरे गोडाउन में रखे हैं और कस्टमर के पास रखे हैं तो बात तो एक ही है। तो हमें क्या करना होगा, उन गुड्स को अपने स्टॉक में लेकर आना होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे एंट्री, स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट, स्टॉक कस्टमर के पास है और इन्वेंट्री हमारा क्या होता है, एसेट होता है, एसेट को हम लोग डेबिट करेंगे। तो स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ये स्टॉक मेरा कस्टमर के पास है और हम लोग क्या करते हैं अपने क्लोजिंग स्टॉक को कहां पे लेके जाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में लेकर जाते थे। तो स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में हम अपना स्टॉक लेकर जाते हैं जो भी मेरा क्लोजिंग स्टॉक लेकर निकल के आता है। और बच्चे स्टॉक की जो हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, हम लोग जो भी अपने गुड्स की रिकॉर्डिंग करते हैं वो किस पे करते हैं, कॉस्ट पे करते हैं। तो 1000 रुपीज तो सेल प्राइस है, इसीलिए क्वेश्चन ने हमें क्या दे रखा है, द सेल प्राइस वॉज 25% अबव कॉस्ट। तो हमें दे रखा है 25% अबव कॉस्ट, मतलब 1/4 ऑफ कॉस्ट, 1/4 ऑफ कॉस्ट हमारा क्या होता है, 1/5 ऑफ सेल्स। तो हम लोग लिख सकते हैं 1000 × 4/5 मेरी कॉस्ट हो जाएगी। अगर 1/5 प्रॉफिट है तो 4/5 मेरा कॉस्ट होना चाहिए, अगर 1/5 मेरा प्रॉफिट है तो 4/5 मेरा कॉस्ट होना चाहिए। तो मेरी कॉस्ट कितनी आएगी, 800 रुपीज आ जाएगी, ठीक है। ये मेरा एक्चुअल ये प्रोसेस है 12F का, ये ऐसा कुछ होना चाहिए था, ठीक है, ऐसे कुछ पूरा प्रोसेस मैंने अभी आपको ये समझा दिया, ठीक है। सबसे पहले मैं फिर से बात करता हूँ, कस्टमर को मैंने सेल करी तो सेल रिकॉर्ड कर ली बट अभी तक सेल्स मैच्योर नहीं हुई, तो मैंने क्या करा, रिवर्सल एंट्री पास करी और बच्चे मेरा स्टॉक जो है वो कस्टमर के पास है तो उसकी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली, ठीक है जी। तो ये एंट्री तो मैं ऑलरेडी पास कर चुका हूं, ये एंट्री तो मैं पास कर चुका हूं बच्चे, ये वाली एंट्री मैंने अभी तक पास नहीं करी है, तो ये एंट्री मेरे को ईयर एंड में पास करनी पड़ेगी। बट मैंने ईयर एंड में पास नहीं करी, अब ये मेरे को क्या करना है, नेक्स्ट ईयर में जाके इस एंट्री का क्या करना है, रेक्टिफिकेशन करना है। मतलब रेक्टिफिकेशन के लिए मेरे को ये दोनों एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी। अगर मेरे को ये दोनों एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी तो बच्चे मैं कैसे पास करूंगा नेक्स्ट ईयर में, मैं यहां तो ये लिख दूं, पहली एंट्री के लिए सेल्स अकाउंट डेबिट हो रहा है, सेल्स अकाउंट मेरा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, तो मैं रेक्टिफिकेशन इस केस में क्या पास करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि सेल्स अकाउंट मेरा क्या है, सेल्स अकाउंट मेरा है नॉमिनल अकाउंट, तो मैं क्या यूज करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कितने से, 1000 रुपीज से। और कस्टमर अकाउंट को मैं एज इट इज ट्रेड करूंगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक। स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट को डेबिट करना है मेरे को नेक्स्ट एंट्री में, तो मैं क्या करूंगा, स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट को डेबिट करूंगा, स्टॉक विथ कस्टमर मेरा क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट हो जाएगा 800 रुपीज से। और बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट मेरा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मैं यहाँ पे लिखूंगा, और कितना, 800 रुपीज, ठीक है, 800 रुपीज।
तो मैं चाहूं तो इन दोनों एंट्रीज को क्लब करके भी एक एंट्री लिख सकता था, इन दोनों एंट्रीज को अगर मैं क्लब करना चाहूं तो मैं क्लब करके भी एक एंट्री लिख सकता हूं, ये भी सही सॉल्यूशन है। अगर मैं चाहूं तो इन दोनों एंट्रीज को क्लब कर दूं, तो मैं क्लब कैसे करूंगा, मैं यहां पे लिख दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, कितने से मैं डेबिट कर दूंगा, 1000 से डेबिट हो रहा है, 800 से क्रेडिट हो रहा है, तो इन नेट कितने से डेबिट होना चाहिए, 200 रुपए से। स्टॉक विद कस्टमर डेबिट 800 रुपीस टू कस्टमर अकाउंट कितना, 1000 रुपीस, ठीक है। तो ये एक सिंगल एंट्री बनी, चाहे तो मैं ये दो एंट्रीज भी पास कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसका। तो ये बच्चे 12F का सॉल्यूशन था, ये पूरा इसके पीछे बैक वर्किंग थी, ये पूरा मैंने आपको लॉजिक समझाया, लॉजिक से मैंने क्या करा एंट्री बना के रख दी आपके सामने। तो अगर अभी भी आपको ये चीज समझ में नहीं आई तो बच्चे वेट करना, मेरे को सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस वाला पूरा चैप्टर पढ़ा ले लेना, फिर आप आके इसका सॉल्यूशन करना तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, बट मैंने कोशिश करी है कि यहीं पे भी आपको समझ में आ जाए मेरी बात, ठीक है जी। तो हम लोगों ने 12 का एफ तो कर लिया, तो बच्चे यहां पे मेरा जो चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वो खत्म होने को आ गया। तो आप लोग मेरे साथ पहले होमवर्क नोट कर लीजिए, होमवर्क यहाँ पे होमवर्क लिख लीजिए, जो आप लोगों को आप कौन कौन से क्वेश्चंस होमवर्क में करने हैं, तो आप लोग होमवर्क नोट करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 आपको होमवर्क में करना है, और बच्चे क्वेश्चन नंबर आपको करना है 11, 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 22 भी आपको होमवर्क में करना है। तो ये चार क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। पहले जो दो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो करना है, एक बार खुद से ट्राई करना, फिर क्वेश्चन नंबर 23 और 22 भी करना, ठीक है। तो अब तक आप लोग क्या होंगे, एक्सपर्ट बन चुके होंगे रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करने के लिए। तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं, जब ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएं तो एक बार फिर से कुछ भी कुछ रैंडमली 6-7-8 क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करना डायरेक्टली, एक्चुअल रॉन्ग का यूज मत करना, डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन एंट्री सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। 5-6 क्वेश्चंस करके देखना, दो क्वेश्चंस करना बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस के, दो क्वेश्चंस करना आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, और दो क्वेश्चंस करना आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करके देखना कि आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या करना है, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज ही पास करनी है। कहीं पर अगर हम फंस रहे हैं तो हम लोग वर्किंग नोट में एक्चुअल रॉन्ग कर लेंगे, बट हम लोगों को अपनी स्पीड पे भी काम करना है, क्योंकि हमें 3 घंटे के अंदर पेपर भी सॉल्व करना होगा, तो हमें डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करना आना चाहिए। तो जब सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाती है तो हम लोग डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पे भी आ जाते हैं। फिर भी अगर मेरे को कहीं दिक्कत हो रहा होगा तो मैं वर्किंग नोट बना के एक्चुअल लॉन्ग और रेक्टिफाई भी कर सकता हूं। तो बच्चे मैं यहाँ पे थोड़ा सा समअप कराना चाहता हूँ इस चैप्टर का, तो फटाफट 5 मिनट के अंदर हम लोग समअप करते हैं इस चैप्टर को। तो मेरा चैप्टर का नाम क्या था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने अपने एरर्स की बात करी थी, एरर्स मेरी कौन सी होती थी, जो मेरी अनइंटेंशनल मिस्टेक होती है, अगर इंटेंशनली करेंगे तो वो क्या होता है, फ्रॉड होता है। एरर्स मैंने आपको बताया था 4 तरीके की होती हैं, ठीक है, एरर्स 4 तरीके की, मैं बोल सकता हूँ 2 तरीके की होती हैं, उसके बाद मैंने उसको सब डिवाइड और करा था। तो चलो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, एक तो होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता था, वो एरर्स जो अकर होती हैं जब मेरे को फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग क्लियर नहीं होता है। फिर मेरा आता है एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन का मतलब क्या हो गया, मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गया। तो ओमिशन 2 तरीके का होता है, एक होता है कंप्लीट और एक होता है मेरा क्या, पार्शियल। तो मैंने यहां पे लिखा पार्शियल, ठीक है। कंप्लीट मतलब मैं पूरी की पूरी एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गया, पार्शियल मतलब मैंने, हो सकता है डेबिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड करो, क्रेडिट एस्पेक्ट नहीं करा, क्रेडिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड करो, डेबिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड ना करो। फिर आता है मेरा एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या होता था, मैं रॉन्ग टोटलिंग कर दी मैंने, या तो मतलब मैंने गलती से रॉन्ग टोटलिंग कर दी, रॉन्ग पोस्टिंग कर दी, डेबिट की जगह क्रेडिट साइड पर पोस्ट कर दिया, तो ये मेरी क्या होती है, एरर ऑफ कमीशन। और जो मेरी लास्ट एरर होती थी वो क्या होती थी, कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर का मतलब क्या हुआ, जब एक एरर दूसरे एरर की इफेक्ट को नलीफाई कर दे, ठीक है। तो बच्चे एरर ऑफ प्रिंसिपल के केस में ट्रायल बैलेंस टैली करेगा, एरर ऑफ ओमिशन में मतलब कंप्लीट ओमिशन के केस में ट्रायल बैलेंस टैली करेगा, कंपनसेटिंग एरर्स के केस में ट्रायल बैलेंस टैली करेगा, बट इन दोनों केसेस में ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा।
फिर हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन के बारे में समझा था। रेक्टिफिकेशन हम लोग तीन स्टेजेस में करते हैं। एक तो होता है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस के केस में, एक होता है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, और लास्ट मेरा क्या होता है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ After preparation of final account, ठीक है। तो before preparation of trial balance की केस में अगर मैं बात करना चाहूं तो मेरे को चेक करना होगा जो मैंने एरर अकर करी है वो वन साइडेड है या फिर डबल साइडेड है। वन साइडेड एरर है या फिर डबल साइडेड एरर है। अगर वन साइडेड एरर है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट, मतलब एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा मतलब इन द डेबिट साइड ऑफ दिस और दैट अकाउंट टू बाय अमाउंट रॉन्गली पोस्टेड या डेबिटेड या क्रेडिटेड जो भी। तो स्टेटमेंट के थ्रू मेरे को रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। डबल साइडेड एरर के केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी, ठीक है। और मैं कैसे आइडेंटिफाई करता था कि कौन सी मिस्टेक्स मैंने जर्नल में करी, कौन सी मिस्टेक्स मैंने लेजर में करी, तो जर्नल में जब मैं मिस्टेक करता था तो क्या लिखा होना चाहिए ट्रांजैक्शन में, रिकॉर्डेड एंटर्ड या फिर जर्नलाइज्ड। लेजर में अगर मैं गलती कर रहा हूं तो लेजर की तो जनरली वन साइडेड एरर ही होती है, बट कभी कभी डबल साइडेड भी हो जाती है। अगर वन साइडेड एरर होगी तो हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, डबल साइडेड होगी तो हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो लेजर में अगर मिस्टेक होती तो क्या लिखा होता है, डेबिटेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड या फिर पोस्टेड, पोस्टेड, ठीक है जी। तो ये हो गया बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस का केस। अगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट है, तभी भी क्या होगा, वन साइडेड एरर होगी और डबल साइडेड एरर होगी। तो वन साइडेड एरर के केस में अगर मैं बात करूं तब हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी अगर वन साइडेड एरर है, और वन साइडेड एरर को कंप्लीट करने के लिए मैं क्या करूंगा, सस्पेंस अकाउंट का यूज करूंगा, मैं सस्पेंस अकाउंट का यूज करूंगा। और अगर डबल साइडेड एरर है, डबल साइडेड एरर है मतलब मेरे डेबिट भी गलत है क्रेडिट भी गलत है, तब भी मैं क्या करूंगा, जर्नल एंट्रीज तो पास करूंगा ही करूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, जर्नल एंट्रीज पास करूंगा इस केस में भी, बट वन साइडेड एरर में मैं क्या करूंगा, सस्पेंस अकाउंट का भी यूज करूंगा, ठीक है जी। डबल साइडेड में हो सकता है कुछ अमाउंट गलत पोस्ट कर दिया, तो यहां पर भी कभी कभी सस्पेंस अकाउंट यूज करना पड़ सकता है। तो बिल्कुल रिजिड मत हो जाना कि इस केस में सस्पेंस अकाउंट यूज होगा ही नहीं, हो सकता है इस केस में भी चांसेस होते हैं कि सस्पेंस अकाउंट यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये होता है। और मोर ओवर हमने एक और चीज सीखी थी यहाँ पे कि सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाते हैं, सस्पेंस अकाउंट का टोटल कैसे निकालते हैं। सस्पेंस अकाउंट में जो दे रखा होगा कि डिफरेंस आ रखा है, ओपनिंग डिफरेंस दे रखा होगा कि डिफरेंस ट्रायल बैलेंस में कितना है, तो हो सकता है वो डेबिट बैलेंस हो सकता है वो क्रेडिट बैलेंस हो, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद जब हम लोग अपने ट्रांजेक्शन को रेक्टिफाई करेंगे, एरर्स को रेक्टिफाई कर देंगे, यहाँ पे एरर्स रेक्टिफाई हो जाएंगी जब हमारी, तो हमारा सस्पेंस अकाउंट का जो टोटल होगा वो क्या होगा, टैली हो जाएगा। सस्पेंस अकाउंट का जो टोटल होगा वो टैली हो जाएगा अगर सारी मिस्टेक्स मैंने सही कर दी, ठीक है जी। और मेरे को एक और चीज बताई गई थी यहाँ पे कि हमसे कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि इफेक्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑन प्रॉफिट क्या होंगे। तो हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑन प्रॉफिट के केस में, इफेक्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑन प्रॉफिट के केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि नॉमिनल अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व है। तो नॉमिनल अकाउंट मैं आइडेंटिफाई करूंगा, मैंने आइडेंटिफाई करा नॉमिनल अकाउंट को कि मेरे कौन कौन से नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व है। अगर नॉमिनल अकाउंट हो रहा है डेबिट तो ये मेरे लिए क्या है, एक तरीके का लॉस है, और नॉमिनल अकाउंट हो रहा है क्रेडिट तो ये मेरा क्या है, प्रॉफिट है। तो हम लोग टोटल डेबिट और क्रेडिट का
टोटल डेबिट निकालेंगे, टोटल क्रेडिट निकालेंगे, जो भी नेट बैलेंस आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट या फिर लॉस हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये मेरा हो गया आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अब आते हैं आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स के केस पर। तो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स का मतलब नेक्स्ट ईयर में मैं सही कर रहा हूँ, तो वन साइडेड एरर यहाँ पे भी हो सकती है और डबल साइडेड एरर यहाँ पे भी हो सकती है। ठीक है, तो वन साइडेड एरर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग सिमिलरली सॉल्व करते हैं इन दोनों केसेस को। वन साइडेड एरर्स कहाँ से सॉल्व होंगी, जर्नल से सॉल्व होंगी। फिर से मैं क्या करूंगा, सस्पेंस अकाउंट का यूज करूंगा। ठीक है जी, सस्पेंस अकाउंट का मैं यूज करूंगा। डबल साइडेड एरर भी मैं क्या करूंगा, जर्नल एंट्रीज की तरह मैं सही करूंगा। मतलब जैसे मैं जर्नल एंट्रीज पास करता था इस केस में भी मैं जर्नल एंट्रीज ही पास करूंगा। ठीक है जी, तो हो सकता है कभी कभी इस केस में भी सस्पेंस अकाउंट यूज करना पड़ सकता है, बट इसमें मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि जितनी भी जर्नल एंट्रीज है, मतलब जितनी भी मैं रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करने जा रहा हूं, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज में अगर नॉमिनल अकाउंट आ रहा है, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज में नॉमिनल अकाउंट आ रहा है, नॉमिनल अकाउंट है, देन यूज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, देन यूज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मैं यूज करूंगा सारी की सारी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करूंगा, और जो भी मेरा मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का डेबिट आ रहा है या क्रेडिट आ रहा है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में मैं टोटलिंग करूंगा, मतलब सारी एंट्रीज पास करने के पास कि डेबिट का टोटल ज्यादा आ रहा है कि क्रेडिट का टोटल ज्यादा आ रहा है। तो अगर लॉस आ रहा है तो लॉस मैं कहां पे ट्रांसफर करूंगा, कैपिटल अकाउंट में। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट भी मैं कहां पे ट्रांसफर करूंगा, कैपिटल अकाउंट में। मैं यहां लिख सकता हूं लॉस ऑब्लिक प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये बच्चे मैंने क्या करा, इस चैप्टर का सम अप कर दिया, इस चैप्टर को मैंने सम अप कर दिया एक पेज में। तो अगर आपको रिवाइज करना है तो आप लोग ऐसे भी एक बार देखोगे तो आपको क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहां पे मैं अपने चैप्टर को फिनिश करना चाहता हूं, तो यहां पे मेरा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी मिस्टेक्स लग रही है, कि कोई आपको एंट्री पूछनी है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही, तो आप लोग मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा जो मैंने होमवर्क में दे रखे हैं, अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही तो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने चैप्टर को एंड करता हूँ और हम लोग नेक्स्ट टर्न में क्या करेंगे, एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो चलो बच्चे, थैंक यू, सी यू, टाटा, गुड नाइट, बाय बाय।